अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो थोड़ी बहुत सर्दी लग रही है मुझे, लेकिन खैर है, फैशन के लिए सब कुछ चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी गुजरने के साथ आपको आपकी क्वालिटीज़ का पता चलता है और आपके इर्द गिर्द के लोगों की भी क्वालिटीज़ का एकदम अंदाज़ा हो जाता है। ये बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, इनसे फलाना रेसिपी सीखना चाहिए। अरे ये बहुत अच्छे कपड़े बनवाती हैं, इनको बोल दो ये दर्जी को जाके ऑर्डर दे। अरे यार क्या मेकअप करती हैं ये, भाई प्लीज़ आप मेरे बाल बना देंगी, प्लीज़ आप मेरा मेकअप कर देंगी मेरे भाई की शादी में। सो, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें किस वक्त किसके पास जाना है। ये वाली जो फुप्पो हैं बहुत अच्छे मशवरे देती हैं, इनसे ले लें अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों के मशवरे। सो, हमें ज़िंदगी गुजारते हुए आहिस्ता आहिस्ता सबकी क्वालिटीज़ का भी पता चल जाता है और अपनी क्वालिटीज़ का भी पता चलता है। अरे भाई ये बहुत अच्छा बार्गेन कराती हैं, शॉपिंग पे जाओ तो इनको साथ लेके जाओ। अरे भाई ये बहुत अच्छा फ्रूट ख़रीदती हैं। अरे भाई ये गाड़ियों के मामले में जो नॉलेज इसको है ना, वो और किसी को नहीं, इसको शोरूम लेके जाना। ये बैंक के मसले, ये कोर्ट के मसले, ये इसको पता है, ये उसको पता है। सो आप हमेशा उन लोगों को चुनते हैं जो अपने हिसाब से बेस्ट होते हैं और आपके हिसाब से भी उस क्वालिटी में बेस्ट होते हैं जो उस वक्त आपको ज़रूरत होती है। पता है आपको, कुछ लोग बाकी और चीज़ों के अलावा शॉपिंग में माहिर होते हैं। उनको पता होता है कौन सी चीज़ किधर से मिलती है, वो हमेशा बहुत ही समझदार शॉपिंग करते हैं। वही चीज़ जो आप महंगी ख़रीद के लाए होते हैं, उनको पता होता है कि ये चीज़ कहाँ से सस्ती मिलेगी या कहाँ से रीज़नेबल और अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। सो आप हमेशा उनके गर्विदा हो जाते हैं। सो ये भी एक आर्ट है, और ये जो शॉपिंग है ना, अरे हाय ये एक थेरेपी है। यकीन जाने कितनी सारी स्ट्रेस और टेंशन से आपको निकालती है, चाहे वो विंडो शॉपिंग ही क्यों ना हो। सो आज एक तो मैं आपका स्ट्रेस रिलीव करने आई हूँ सुबह सुबह इस शो के ज़रिए, दूसरा मैं आपको अपनी सेलेब्रिटीज़ की जो क्वालिटी उनके अंदर बाकी चीज़ों के अलावा एक और क्वालिटी है शॉपिंग की, उससे भी आगाह कराऊंगी आज के शो के ज़रिए। और शायद आप कोई नई चीज़ें सीख सकें, समझ सकें कि आए हाय ये तो यहाँ मिलता है वहाँ मिलता है। वैसे किसी को बहुत ज़्यादा जो है ना, वो बहुत मुश्किल लगता है कि बाज़ारों में जा के शॉपिंग करना, ढूंढना कौन सी चीज़ किधर मिल रही है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके मोबाइल पर कुछ बटन दबाने की मदद से आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, तो आपका पेट्रोल भी बचेगा और आपको अवेयरनेस भी आएगी कि क्या क्या मिल रहा है। कुछ लोगों का ये काम होता है कि वो स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ लोग स्टॉक करते हैं कौन सा सेलिब्रिटी क्या कर रहा है, कौन सा फलाना क्या कर रहा है, और कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग के एक्सपर्ट होते हैं। हाँ कभी कभार उन्होंने धोखे भी खाए होते हैं, मंगाया कुछ होता है, आ कुछ जाता है, लेकिन फिर भी वो एक्सपर्ट हो जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे। गाड़ी में बैठे बैठे उनको जो चीज़ की ज़रूरत होती है, बजाय गाड़ी उधर घुमाने के, वो वहीं बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर देते हैं। तो आज मैं अपने सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए आपको सिखाऊंगी कि शॉपिंग घर बैठे होनी कैसे चाहिए। किसी भी खाला फूफो को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि कंफर्ट जोन में बैठ के शॉपिंग कैसे की जाए और क्या क्या कहाँ कहाँ से ख़रीदा जाए, ये हम आपको गाइडलाइंस देंगे आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो मेरी ये जो चार खवातीन बैठी जिनसे मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, इनमें और बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आज इनकी एक क्वालिटी से मैं फ़ायदा उठा रही हूँ, और वो है ज़हानत से शॉपिंग करना और चीज़ों को संभाल के समेट के रखना। ये भी एक आर्ट है कि आप अपने पैसे को किस तरफ किधर इन्वेस्ट करते हैं सही वक्त पर, जो चीज़ें आपके काम आ जाएं। सो इनसे वैसे ही मैं आपको इतनी सारी चीज़ें इनको बुला के शो पे सिखवाती हूँ, चाहे वो इमोशंस की बात हो, चाहे वो एम्पावरमेंट की बात हो, चाहे वो हिम्मत की बात हो, चाहे स्किन केयर रिजीम हो, चाहे अपने आप से प्यार करना हो, लेकिन आज इनकी जो शॉपिंग की एक्सपर्टी है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। मेरे साथ है आज, इतनी प्यारी यार लग रही है फिजा अली, मेरी बात हाँ कितनी प्यारी लग रही है, छोटे बाल हर किसी पे अच्छे ही नहीं लगते, तो मैं तो इंट्रोड्यूस तो करने दो फिर बोलना
कमर ऑन। फिर मेरी दूसरी तरफ बैठी है, यहाँ फिजा अली है और वहाँ हिबा अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? मुझे नहीं पता था इस लड़की के अंदर ये भी क्वालिटी है। पता चलेगा आज, पता आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, आपको बताऊंगी। फिर मेरे दूसरी तरफ बैठी हैं जी, मेरी लाहौर से आई हैं खास तौर पे हमारे शो के लिए, सादिया फैसल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? हमें पता है आप बहुत सलीका शार है बस, और हमने दुनिया को भी अब बता दिया है। बिल्कुल, अक्सर शोज में कोई चीज छुपी नहीं है, हर चीज बता दी है ना, हम इतना शो में आती हूँ मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो एक सलीका शार लड़की बैठी है ना, जिसको जिसने पहले ही इंट्रोडक्शन से पहले ही बोल दिया कि फिजा इतनी अच्छी लग रही है, जोरे अमीर हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निदा। कैसे तुम छोटे छोटे बच्चों को सिला कर आती हो जब आती हो? नहीं नहीं अभी तो बेला पुसला के आती। जी जी बिल्कुल है ना। हाँ, अब मम्मा अभी आई बेटा, दो घंटे के अंदर आ जाएगी। जी, जी जी, लेकिन वो संभल जाते हैं मेरे बगैर तो मैं। सो ये जो सारी जहीन खवातीन मेरे इर्द-गिर्द बैठी हैं, ये सिर्फ अपने जो पैसे हैं वो बर्बाद नहीं करती, बड़े समझदारी से खर्चा करती हैं, और यही समझदारी जो है वो इनकी हम चाहते हैं कि जरा जरा सी हमें भी मिल जाए। हम शुरुआत करते हैं, शॉपिंग का शौक है अगर एक एक से शुरू, चलो मैं तुमसे शुरू करते हैं। सबको ही होता है मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगता है कि एक थेरेपी होती है, जैसा आप कहती हैं कि जब इंसान बिला वजह किसी थॉट प्रोसेस में हो, भले वो ऑनलाइन हो, लाइक दिस कि आप बैठे हैं तो कुछ अच्छा सिलेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है। देखो शॉपिंग का जो गुर है ना, वो किसी ना किसी से इंसान सीखता है। शॉपिंग का अगर कोई गुर तुमने अम्मी से सीखा है या किसी से भी सीखा है, जरा बता। अम्मी से? हाँ, पापा क्या क्वालिटी थी शॉपिंग पर्सन, अम्मा और लेडीज ही होते हैं ज्यादातर। बार्गेन कराती थी, क्या क्वालिटी थी उनकी शॉपिंग की? अम्मा शॉपिंग की क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अम्मा वाज दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जिसको शॉपिंग का इटसेल्फ बहुत शौक था। अच्छा, तो मुझे इतना नहीं था, तो उनकी वजह से आ गया कि वो हाँ बहुत वो आ गया गुटकी में, बेतु की चीजें भी बहुत ले लेती थी। लेकिन ये कि मैं बड़ा देख के, वो कभी कभार सही चीज नहीं लेती थी, लेकिन तुम जो देख के ले। ओके, सो फिजा से भी मैं यही सवाल करती हूँ, फिजा तुम शॉपिंग करती हो? बहुत ज्यादा देखती हूँ, लेती कम हूँ। अच्छा, छान पटक के कहते ना, क्या छान पटक कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, छान वाली भी नहीं हूँ, छान पीन वाली नहीं हूँ मैं। जैसे आपकी दुकान है, कोई चीज मैंने ये पकड़ी है, बॉटल दीजिएगा एक मिनट हाथ में, ये अब मैंने देख लिया, इसके सारी चीजें पढ़ ली, ये चीजें ऐसी ताकि मेरे पास अगर घर पे भी कोई आए, मगर मुझे अच्छी लग गई है, मुझे लेनी भी है, मगर बस मैं हाथ में पकड़ने के बाद कहूंगी कि नहीं यार शौक पूरा हो गया, आगे चलते हैं। ओह नाइस, शौक पूरा हो जाता है उस वक्त हाथ में पकड़ के। हाँ, कोई कपड़ा भी, कोई चीज दिल भर जाता है उसी वक्त। ये तो वो है ना, जाके ऑनलाइन में हाथ रो, कैसे रोकती हो बहन, कैसे छूती हो, कैसे चूके बात आती हो, ऐड टू कार्ट करती होंगी, ऐड टू कार्ट करके कार्ट खाली कर देती है, ऑनलाइन फजाल बहुत कार्ट में चूके वापस आती हो, ऑनलाइन में कैसे ऑनलाइन कार्ट खाली, मेरा बहुत बहुत नुकसान कराती है, वो बैठ जाती है तो वो कहती है मैं आपको 10 पपियां तब दूंगी जब मेरी ये चीजें आ जाएंगी, दो बुक्स हो गई, डायरी हो गई, आईपैड के कवर्स हो गए, वो सारी हमारे पास ऑनलाइन उधर से आती, कुशंस हो गए उसको नहीं लेती थी, जबरदस्ती का घर नहीं भरती थी, जितनी बेडशीट चाहिए उतनी रखती थी, जितने घर में कपड़े भी अलमारी में उतने होते थे, जैसे अगर तीन खाने तो तीन खानों के अंदर कपड़े आने चाहिए, उससे ज्यादा देने थे। अच्छा, और बहन भाई जो थे, जाहिर है बड़े भाइयों और बड़ी बहनों से भी तो इन्फ्लुएंस आता है। तो मेरे साथ तो वैसे भी ना, मेरे ऊपर अम्मी ने कम खर्चा किया, क्योंकि ट्रेंड हम लोग थे ना, पांच बहनें थी, आठ भाई बहन थे, तो पहले उसने पहनना, आखिरी वाले में तो बूंदियां मटती है ना, पहले वाले में जलेबी और गुलाब जामुन भी खत्म हो जाते हैं। ईद पे उसका तो नया जोड़ा आ गया, अम्मी मेरे लिए लाती थी, और अम्मी कहती थी क्योंकि सीना हम सबको खुद होता होता था, छोटे हो बड़े हो कुछ हो, कढ़ाई भी खुद करो, आठ साल की उम्र से शरारा वरारा खुद काढ़ोगे तो पहनोगे घर में अगर शादी आ गई तो। अब इसने पहना, उसने पहना, उसके बाद इसकी बारी आ गई। अब ईद पे ना थोड़ा सा एक बहन का हल्का सा लिटिल बिट फॉर्मल ड्रेस तैयार हो गया, मेरा तो फॉर्मल नहीं आया अगर, और मैंने सिलाई भी नहीं की, तो अम्मी कहती थी रख लो, काम आएगा किसी ओकेजन में, तो तुम उसका पहन लो, तो पिछली ईद वाला उसका पहना देती थी। होती मैं कहती थी अम्मी सबने देखा है, उन्होंने कहा उसकी, उस लोगों ने देखा है, शैलियों ने, उसके मोहल्ले में किसी को याद भी, तुम इधर पहन लो। हाँ, तो वो बहन के घर से भी घूमता हुआ, शादीशुदा बहन के घर से घूमता हुआ जोड़ा वो मेरे पास, ये जो तुम्हारी
छान पटक करने वाली आदत है ये बेसिकली अम्मी से आई है। अम्मी से आई है। फरहान मेरे कपड़े पहन रही है काट पीट के छोटे पोटे करके। हाँ। जो मेरी ऐसी लंबी स्कर्ट्स थी वो छोटी हो गई है। कमीजें जो थी हाँ। उसमें से मैंने काट पूट के उसके बचपन से ही बना रही हूँ तो वो तो चलते ही आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है। अच्छा सागर तुम्हारी क्या क्वालिटी है शॉपिंग में अगर मैं तुमसे पूछूं? मैं फालतू चीजें नहीं लेती, मैं बहुत सोच सोच के लेती हूँ। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो मैं चीज़ें सिलेक्ट करके कार्ट में डालती रहती हूँ काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 चीज़ें ली हैं तो फिर मैं उसमें से सिर्फ 2 लूँगी। तो मैं बहुत सोच सोच के लेती हूँ। अच्छा अम्मी ऐसी नहीं है क्योंकि अम्मी के पास टाइम बहुत कम होता है तो वो बाजार जाती हैं, ये भी पकड़ो ये भी पकड़ो ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी। हमारी मौजें होती हैं क्योंकि हमें चीज़ें मिल रही होती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू मी मैं बहुत सोच सोच के लेती हूँ। मैं पूरा टाइम मैं कहती हूँ पैसे खर्च करने तो मुझे अच्छी चीज़ लेनी है, कम लेनी है बट अच्छी चीज़ लेनी है। मैं अम्मा से ज़रा ऑपोजिट हूँ। और इनकी अम्मा का तजुर्बा मेरे साथ ये रहा है कि अभी हम लास्ट सेट पे साथ थे तो मुझे कहती है तुम कराची में ही रहती हो ना, मैंने कहा जी, तो कहती है घर पे कौन होता है? तो मैंने कहा सब होते हैं, मेड होती है, पापा होते हैं। बोला अच्छा ठीक है एक ऐप खोलना, टक 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 5 चीज़ें ऑर्डर की तुम्हारे घर आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ अकेली होती हूँ। लाहौर होता तो अलग बात थी, यहाँ मैं अकेली होती हूँ। ये पे भी कर दिया पहले ही मुझे पहुँचने से पहले और मेरे घर डिलीवर हो रही है सबा फैसल के सारे आइटम। वो ऐसे कर रही है आजकल क्योंकि मेरे भाई की शादी है। जी जी जी। तो अम्मी आजकल ऐसे कर रही है जिस जो रिलायबल बंदा होता है ना उसके नाम का करके तो वो बुलवा लेती है। लेकिन पापा कह रहे इतने क्यों आ रहे हैं, मतलब जो बिजी है लेकिन फिर भी बेटे की शादी की तैयारी में लगी है। माइंड इज ऑलवेज वर्किंग, ऐसे ही होता है जी। तो जोरे की शॉपिंग की क्वालिटी कहाँ से आई विरसे में भाई? अच्छा शॉपिंग का ना मुझे कोई शौक नहीं था बचपन में भी और अभी तक नहीं है। आई डोंट लाइक टू शॉप, मुझे बिल्कुल शॉपिंग करना नहीं पसंद। लेकिन जो चीज़ ज़रूरत है उसको मैं ऑब्वियसली ख़रीदना पड़ता है। तो मामा के थ्रू आई थिंक ये चीज़ आई है कि वो जहाँ भी शॉप पे जाती थी ना तो मुझे साथ ज़रूर लेके जाती थी। अच्छा। और मुझे जाना नहीं पसंद था और वो मुझे लेके जाती थी। मुझे ट्रेनिंग हो रही थी। हाँ, और फिर मामा ना कहती थी पहले से पैसे नहीं बता देते कि मैं इतने दूंगी, वेट करते हैं कि वो क्या बोल रहा है और मैं पहले से ही ना बोल दूँ कि ये इतने में दे दें। अब मामा मेरी शक्ल देखे वो ना, मामा ना जब मुझे आँखें दिखाती थी ना तो मैं थोड़ा डर जाती थी, तो मैं यूँ हो जाती थी कि ओ शिट मैंने यू नो ब्लंडर कर दिया है। तो खैर उनसे मैंने सीखा ओवर द टाइम एंड फिर इवेंचुअली क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी शॉपिंग तो फिर मैंने नहीं करी। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग का मुझे बहुत शौक है तो आई थिंक जब से ये ऑनलाइन शॉपिंग ये वर्चुअल एक चला है ना तब से आई थिंक आई एम मोर इनटू इट, क्योंकि उसमें मुझे ये लगता है कि मुझे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मैं काफ़ी थॉरो रिसर्च कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ को समझ सकती हूँ, टाइम की कोई मैनेजमेंट का मसला नहीं होता। आप सुकून से अपना टाइम लेके उसको देखें समझें, ऑप्शंस ढूंढें कि कहाँ आपको कोई सेलर होगा जो चीप दे रहा हो, आपके पैसे बचेंगे और वो सब चीज़ें मेरा प्रोसेस होता है। तो अगर मुझे कोई चीज़ मंगानी है ना तो मैं 10 दिन पहले उस पर काम करना शुरू करती हूँ और फिर थॉरली देख के और फिर उसको भी शॉर्टलिस्ट करती हूँ कि कौन सी चीज़ें जो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। Sometimes shipping charges कुछ अलग अलग नहीं तरीके से वो मैं अच्छा उसमें भी मैं ये देखती हूँ कि फ्री शिपिंग जहाँ पे भी शिपिंग के पैसे चार्ज हो रहे होते हैं ना, इसका मतलब है कि मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत महंगी है और उसमें शिपिंग उन्होंने जीरो की हुई है तो उन्होंने उसमें उस प्रोडक्ट में शिपिंग ऐड कर दी होती है। लेकिन कहीं कहीं होता है कि प्रोडक्ट बहुत सस्ती होती है लेकिन शिपिंग इतनी महंगी होती है तो वो शिपिंग के थ्रू कर रहे होते हैं। तो शॉपिंग की तो अलग अलग कहानियाँ होती हैं। जी जी, मैंने किसी शो पर बताया भी था कि हमारी हर फैमिली में एक ऐसी खातून रही है, जैसे मेरी फैमिली में मैं हूँ, बहुत उल्लू बनी हूँ एक ज़माने में, और मेरे अब्बू की फैमिली में मेरी पुप्पो थी। अच्छा। उनका ये आलम था कि वो शॉपिंग करने जाती थी, अगर फ़र्ज करो वैसी ही जूती उनकी बहन 150 रुपये में लाई हुई है तो वो दुकानदार के पास जाएंगी, उनको नहीं पता ना कि उनकी बहन ने भी ली हुई है, वो दुकानदार के पास गई कहेंगी भाई ये जूती अच्छी है लेकिन मैं 200 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगी। जो दूसरे ने 150 रुपये की ली हुई है उनको नहीं पता कि 150 में ली है, उनको लगा 200 ही मैंने कम बोले। yes. तो वो ये कह रही है ना मैं शुरू में खुद नहीं बोलती थी। मेरी पप्पो वो महंगी ले आती थी खुद बोल के भाई 200 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी मैं, मैंने कह दिया। और मामा ना ये भी कहती थी कि जो चीज़ पसंद है उस पर उसको इशारा नहीं करो, उसको उसकी तरफ मत जाओ,
मुझे बताओ मैं करूंगी डीलिंग, ये बड़ा मसला होता है, बच्चे फंस जाते हैं ना दुकानदारों के सामने, तो फिर मैं तो फलाल को ये सिखाती हूँ कि फलाल हाथ दबाया करो मेरा, फसड़ा मत करो, मम्मा ये ले दे, आई विल डू एवरीथिंग मम्मा, आई नीड दिस डैडी, ये मत करे, मैं बच्चों को देख के शेर होते हैं ना वो लोग, आपका बच्चा शोर कर रहा है दिला देना, ये कहते भी होते हैं, लेकिन स्मार्ट शॉपिंग बहुत कम लोग करते हैं। जैसे मेरी अम्माएं कल मुझे बता रही, मैंने 8 कारपेट्स लिए कराची से, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कहती है एक कारपेट 25,000 का था एक ना, तो मैंने बार्गेनिंग कराई, पूछ गैस करो कितने का होगा, मैंने कहा कितने का कम कर देगा 2-3 हज़ार, मैंने कहती 25,000 का कारपेट, मैंने 8,000 में लिया, अम्मी तो ऐसे अम्मा इतने कम पैसे करवाती है ना कि जब मैं जाती हूँ मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। अनिदा आपको मेरे बाबा ने यही किया, उन्होंने जाकर 8,000 रुपए का कारपेट रग लिया, बहुत खुश थे 8,000 में लाए, 8,000 में लाए, इत्तेफाक से अगले दिन संडे मार्केट लगनी थी, मैं गई और मैंने जाके इतने अच्छे अच्छे कोई 5-6 मैं 10,000 में ले आई, उनसे भी बड़े बड़े और अच्छे अच्छे और बिल्कुल न्यू, मतलब ऐसा था, मेरे बाबा कह रहे हैं तुम लोग मुझसे स्मार्ट कैसे होते जा रहे हो, तो कहेंगे बाबा आप ऑनलाइन में स्टक हो बट एक्सप्लोर भी थोड़ा सा करें, तो वो भी बाहर से ही आया हुआ था ना, तो वो पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज़ की मुझे संडे मार्केट से भी मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ना, तो आई गो फॉर दैट। चलो तुम लोग की शॉपिंग जरा देखना शुरू करें, फिजा शुरू करते हैं। एक तो मैंने जो ऑनलाइन मंगवाई है वो मैंने पहना नहीं है, और वो ही पहले देख लेते हैं। ये नाइट सूट है, इसका मैंने लास्ट टाइम ऑर्डर किया था, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसका मटेरियल भी मुझे लगता है कि इस जैसा नाइट सूट है, ठीक है, और इसकी फिटिंग, क्योंकि शर्ट मुझे छोटी छोटी नहीं पसंद हिप से ऊपर, तो नाइट सूट की शर्ट मुझे बड़ी पसंद होती है, क्योंकि आप घर में ज्यादातर कपड़े यही पहने हुए होते हैं, और वो वाला तो जमाना नहीं रहा कि तीन रंग के कपड़े एक जमाने में, दुपट्टा कोई और, कमीज कोई और, शर्ट कोई और, मटेरियल देखो, अब वो जो नाइट सूट है वो भी ऐसे देखेंगे, वो गंदा लीलन नहीं है, और ये ना मलता गुजलता भी नहीं है, पहन के आप खराब नहीं, नहीं इसकी नहीं होती, बहुत कम्फर्टेबल लग रहा है, की लीलन भी नहीं है दूसरी, मगर ये लीलन ऐसी नहीं है, आप लोग तो नहीं, अच्छा गर्मी सर्दी दोनों में चल जाता है लेना, या तो सर्दियां, मैं यही सोच रही थी क्योंकि इसी मटेरियल के नाइट सूट होते हैं मेरे पास ज्यादातर, वो तो इतना सूदिंग होते हैं स्किन पे, आपको घर के लिए तो यही चाहिए भाई, और इसकी शर्ट इतनी लंबी है, तो करें नाइट सूट्स की मदद से आपके सामने भी कंफर्टेबली पुराने कपड़े पहनना खत्म हो गए, और ये नाइट सूट्स का है कि आपको इसमें हर जो प्रिंट आपको बाहर कपड़ों में मिलता है ना वो इनमें भी मिल जाता है बिकॉज़ दे मेक इट देमसेल्फ, आपके सामने भी आ सकते हो, हिप्स कवर है नीचे तक, बट एक अजूबा चीज मैंने ऑर्डर की थी, मगर मैंने जब उसको पहना ना, तो पहले तो मेरे पास आई तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैं 2-3 तरीकों से दर्दों से बांधने की कोशिश की, पिक्चर देखती रही उसकी, मुझे समझ नहीं आया, मगर जब मैंने पहना मुझे लगता है आज तक मुझ पे इस जैसा कोई पीस नहीं आया। अच्छा ये मेरे साथ भी बहुत होता है, जब मैं मंगा नहीं सकती है, क्या मजे की चीज़ है, मैंने अलीबाबा से ऑर्डर किया था, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इसको ऐसे मत देखें, ये जो है ना यहाँ से ये बन जाता है इधर, पहले अंदर कमर के अंदर बंद है, ये देखो कितनी जुगाड़ है, फिटिंग भी प्रॉपर फिर दे देता है, ये अंदर से पहले बंद होता है, उसके बाद ये आता है यहाँ पे, एक बटन लगता है, ठीक है, ये बटन लगता है, मैं लगा देती हूँ, फिर समझ आएगा, जब आया तो मैं बड़ी, अबे नजर ही नहीं आ रहा ये ऊपर, हाँ ये एक रेलिक जो है ना आपको अपाहिज कर दे, जी मेरा एटीएम कार्ड अंदर रह गया था, 3 दिन बाहर बैंक के रुलती रही हूँ, इसके अंदर निकला ही नहीं एटीएम कार्ड मेरा, अच्छा ये जो है ना ये अंदर ब्लाउज की तरह, नहीं नहीं अब इसको ऐसे करके कहाँ फंसा था, इधर से बनना है, ओ वाओ, और इधर से बन के स्कर्ट और ब्लाउज दोनों हो गया, और ये यूं करना है, ठीक है, ओ नाइस, दिस इज द पीस यू सी, और ये जैसे मेरा ये वाला पीस है ना इसी तरह की इसकी फिटिंग, और इसकी स्लीव्स इतनी स्मार्ट है, वाओ, ये पहन लो ना तो मतलब यू लुक कोई मुश्किल ही लगता है, ऑनलाइन वेस्टर्न कपड़े जस्ट लाइक अ वाओ, हां जस्ट लाइक अ वाओ, कितने का है, हैं कितने का होगा ये, मैंने 1500 रुपए का है, क्या, हां हां ये क्या क्या, नहीं 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 नहीं, ये इसका पेज मुझे बता दे, 1500 बहुत है इस तरह, 1500 नाइट सूट कितने का था, 1500 ये महंगा होगा, हाँ पहले 1800 का था, इस दफा 2000 का मंगाया, निदा मेरे साथ भी होता है, जो नाइट सूट होते हैं इतने महंगे और जो इस तरह के फैशनेबल कपड़े वो इतने सस्ते, देखो सच्ची बात तो ये है नाइट सूट जो है ना वो ज्यादा पहनने होते हैं, ज्यादा पहनते हैं, और महंगे भी होते हैं, दुख नहीं देते, और क्या दुख नहीं होता, बिकॉज़ इस्तेमाल होते हैं, ये वाली चीजें तो आप एक दो दफा में हो गए, इनका पेज दूसरा मैं तो बता दूंगी, लेंगे गुड यार, मतलब
अच्छी चीज है। चलो तुम बताओ हिबा, 1500 पे मैं तो फंसी हुई हूँ फिलहाल। और ये बताऊँ, ये जब से नाइट शूट, ये 1000 रुपए से शुरू हुए थे, 1200 फिर 1800 अब 2000 की बातें भी हो रही हैं। अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिंट है, इतना प्राइस बढ़ा है इनका। अच्छा तो हिबा तुम दिखाओ। अच्छा ये एक वैनिटी है, अट्रैक्ट कर रही है चीज। हां 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 ठीक है। मेकअप बॉक्स, हम लोग क्योंकि जैसे ट्रैवल कर रहे हैं या किसी की अभी जैसे शादियों का एक पूरा सेशन आने वाला है, 10-12 शादियां एक साथ, तो मुझे तो सब अपना मेकअप भी करना है और दूसरों को भी लाइनर लगाने हैं ना। अच्छा। ये होता है जब आप अपने रिलेटिव्स की शादी में होते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट अगर नहीं है लेट्स से अवेलेबल या कुछ, तो फिर आप कहते यार हम लाइनर यार तो बहुत अच्छा मेकअप करती है ना, वो फिर आपको नाइस बनने के लिए ना थोड़ा सा करना ही पड़ता है, तो मुझे ये पूरा लेके जाना पड़ता है और अपने लिए भी लेके जाना पड़ता है ऑफकोर्स। तो मेरे पास और बहुत सारे इस तरह के बैग्स थे, पर ये बहुत सिविलाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, अनबिलीवेबल सिचुएशन थी कि ट्रैवलिंग के लिए भी आसान है और प्रोफेशनल वाला नहीं है ना, ये थोड़ा ट्रैवल कर रहे होते हैं, बहुत प्रोफेशनल बड़ा वाला नहीं है तो इजीली आप कैरी कर लेंगे। लोगों के ड्रेसेस पे भी कितने का मिला होगा ये थोड़ा सा? अच्छा मेरा ना ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा महंगा है, मतलब मैं इसलिए 1500 पे थोड़ी फंसी हुई हूँ। ये कितने का? ये होगा 8-10 हजार रुपए का तो होगा आई एम श्योर। यार बहुत महंगा मिल रहा है आजकल, आप मार्केट में तो जाएं। हाँ, जब लेकिन बड़ा बड़ा मेड इन चाइना लिखा हुआ है पे, हर वक्त बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन होगा 8-10 का होगा, आई डोंट रिमेम्बर अभी, लेकिन इतना तक का तो। लेकिन आप देखिए ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा, ब्रेक के बाद आते हैं फिर तुम दोनों की भी ऑनलाइन शॉपिंग देखते हैं, तो मजा आ रहा है ना यहाँ घर बैठे शॉपिंग देखने में, है ना, किसी की शॉपिंग देखने में मुझे बहुत मजा आता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आज आपकी डिप्रेशन को दूर करने आई हूँ, विंडो शॉपिंग, यानी आप मेरे प्रोग्राम के थ्रू विंडो शॉपिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं, किसी की शॉपिंग देखने में इतना मजा आता है, मुझे तो ये एक थेरेपी लगती है क्योंकि कोई शॉपिंग करके आया और मैं कहती हूँ वाओ यार कितनी, और ये बड़ी जो है ना कंटेजियस है, जैसे आपको छींक आती है किसी और को देख के या खांसी या हंसी आती है, उसी तरह शॉपिंग भी आती है किसी और की शॉपिंग देख के जी। सो अगली शॉपिंग चल रही है तुम्हारी तरफ सादिया। अच्छा मैं वैसे ऑनलाइन ज्यादातर शॉपिंग ब्रांडेड बैग्स की नहीं करती, ब्रांडेड जूतों की नहीं करती, पता नहीं चलता उसमें, तसल्ली होती ना, जितना भी ऑथेंटिक चीज हो मैं नहीं लेती, बट मैं लोकल पे लोकल शॉपिंग अच्छी बहुत करती हूँ, और ज़्यादातर मैं ज़रा वेस्टर्न कपड़ों की करती हूँ क्योंकि मैं जिम करती हूँ कैजुअल वेयर में, तो मुझे एक बहुत अच्छी मिली है फॉर माई जिम वेयर, क्योंकि आप जाते थे ना जिम के ब्रांड्स पे जाते थे तो बहुत महंगी हो जाती थी और आपको मतलब आप ज्यादा चाहिए होते, हाँ जी, और ज्यादा चाहिए होते हैं, रोज वर्कआउट करना होता है और जाहिर है कपड़े रोज धुल रहे होते हैं, तो मैंने कहा नहीं इसका कोई ऑल्टरनेट कुछ नया भी पहनना होता है, नया ही पहनना होता है ना, आप जिम की गेम बहुत ऑन हो गई, व्हाट आर यू वेयरिंग। तो मुझे एक बहुत अच्छा लोकल ब्रांड अब मेंशन नहीं कर सकते, बट ये देखें नाइस, वाओ ये हुडी है, और ये कितने की होगी तकरीबन? ये मैंने 1000 के अंदर ही ली थी। वाओ, तो हजारों में ये जो इसमें मेरे पास खरीदते हैं और निदा इसमें मेरे पास पिंक कलर है, ऑरेंज कलर है, वाइट कलर है, इसके नीचे टैंक टॉप पहने या स्पोर्ट्स वाला वो, और you're good to go. I was thinking of a black sports wala, yeah. हाँ, और ये बहुत स्मार्ट लगती है, जैसे ये हो गई, मुझे बैगीज बहुत पसंद है जीन्स के ऊपर, ये है बैगी बट ये बहुत स्मार्ट लगती है। कितनी होगी ये? ये आई थिंक मैंने 600 की ली थी। मैं कहाँ जाके अपना सर मारूं? ये मैं आपको इसका लिंक बताऊंगी, बहुत अच्छी चीज़ है, अभी तो मैं ज़्यादा लेकर नहीं आई बट मैंने अपना आप समझे कि 70% जिम के जितनी भी चीज़ें हैं ना मैंने यहाँ से ऑर्डर की हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्काउंट मिल रहा होता है, सेल चल रही होती है, हर वक्त सेल चल रही होती है, क्लियरेंस सेल भी लगती है अब तो, वो अच्छा, बिजली का भी होता है और किराया नहीं देना पड़ता होता दुकानों का या मॉल्स का, और लेकिन अब क्लियरेंस सेल भी चलती है ऑनलाइन शॉपिंग पे, क्लियरेंस सेल भी चलती है, मजा ही आता है, अनएक्सपेक्टेड जो एक बेल बजती है ना घर में, हम ये कहते हैं हमने किसी को बुलाया भी नहीं है, फिर मैं ये किसी की तो पता ही नहीं कि मैं अभी लाहौर में हूं, बेल क्यों, हां फिर फौरन फलाल कहती है पार्सल आया। अच्छा शॉपिंग का मजा बहुत वेट होता है ना, है ना, बहुत से लोगों से मैं सुनती हूँ लेडीज से कि डिप्रेशन हो रहा है शॉपिंग कर लो,
अच्छा मैं भी चली जाती हूँ करने हाँ. लेकिन जब मेरे पैसे खत्म खर्च होते हैं और मैं घर आती हूँ फिर मुझे सदमा होता है दोबारा डिप्रेशन फिर मुझे दोबारा अब जैसे अभी हमारे लाहौर में एक फेस्टिवल था तो मैं वहाँ गई पेट फेस्टिवल था उन्होंने मुझे कैश दिया मतलब मैंने उसमें से 80,000 की शॉपिंग कर ली ठीक है अब वो सारा जाहिर है वो ब्रांडेड था सारा मैंने कर तो ली उसको की भी दे देंगे भी दे देंगे भी दे देंगे भी दे देंगे फिर जब मैं घर आई हूँ मैंने चीज़ें देखी बहुत अच्छी ज़ारा की चीज़ें थी बहुत मतलब ए प्लस ऑथेंटिक लेकिन मुझे डिप्रेशन हो गया जो कमाया वो तो मैं खर्च ही कराई और अननेसेसरी भी ले आते हैं ना आप जब आप बाहर जाते हैं अननेसेसरी चीजें भी लेते हैं मैंने वो पहनी आपने पहनी भी नहीं होती मैं उतना पहनूं कि इसकी इस पे बैक वसूल हो जाए वसूल हो जाए तो मेरे साथ ये होता है कि मैं ज्यादा शॉपिंग करती हूँ तो जैसे अभी मैं आई हुई हूँ तो मैंने आप इनसे एयर वाई वालों से कहा मैं 2 दिन बाद जाऊंगी लाहौर तो मैंने यहाँ शॉपिंग करनी है मुझे पता है मैं बहुत शॉपिंग करने वाली हूँ और उसके बाद मुझे सदमा होगा सदमा वाकई है मुझे अजीब सी चीज सुनने को मिली है जाते आप थेरेपी के लिए सर भारी हो जाता है पैसे खर्च करके सदमा हाँ सर भारी हो जाता है इतना खर्चा हाँ भाई जोर है ये देखो समझदार लड़की बैठी हुई है दुकान लगा के बैठी है जबकि ये बहुत इत्तेफाक है कि मेरे पास बहुत सारा सामान नहीं था बच्चा बच्चे होने के बाद कुछ ये शॉपिंग कम हुई तुम्हारी कि नहीं फॉर अ लिटिल टाइम हो गई थी 4-5 महीने सिर्फ डायपर्स और मिल्क एंड दिस एंड दैट जस्ट अबाउट द बेबीज लेकिन अब है कि आई एम गेटिंग बैक टू माय शेप ओके तो अब बड़ा मजा आ रहा है द गेम इज अगेन इन द ऑन हो गया जी तो बड़ा मजा आ रहा है अच्छा अब स्टार्ट मैं वैसे ही बताती हूं कि कहाँ से मेकअप से स्टार्ट कर तुम खुद फैसला करो बहन मुझे क्या पता क्या क्या लाइए यहाँ से जो है ना ये है कि देखें अब फॉर एग्जांपल मैं जो फाउंडेशन यूज करती हूँ डियोर का वो यहाँ नहीं मिलता तो ये मुझे अब ऑनलाइन एक जगह मिली है जहाँ से मुझे ये फाउंडेशन मिल रहे हैं एंड ये ओरिजिनल है 100% ये तो मुझे चाहिए कहाँ है मुझे सबसे अच्छी बात ये सबको बता दें एलानिया सबसे अच्छी बात ये कि इसमें जो है ना वो आपको ये पता है इस सेलर के थ्रू ये पता है कि ये वो वाला नहीं है जो लॉन्ग टाइम जिसको शेल्फ पे रखा गया अच्छा। तो ये वो है जो फॉरेन बना फॉरेन अरे ये मुझे तो प्लीज जरा थोड़ा सा आइडिया दो जी जी ये चीजें कैसे पता लगा है क्या पहली दफा एक नहीं तो मैं आपको बता रही हूं फाउंडेशन की अगर सिर्फ बात करें तो फाउंडेशन का टेक्सचर अलग हो जाता है अगर वो शेल्फ लाइफ उसकी ज्यादा रही है ना तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी नहीं देखो ऐसे तो जैसे तुम जो बट हाउ वुड यू ट्रस्ट द सेलर उसकी बात पहली दफा कैसे ट्रस्ट करें उसके लिए आप ये क्या करें कि आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाएं जो इतना एक्सपेंसिव ना हो मैं ये करती हूँ अच्छा मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट मंगाती हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल $2 or $3 का अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो मैं पहले मंगा लूँ अच्छा मैं देखूंगी और क्योंकि वो मेरे पास पहले से होगा मैंने उसे यूज किया हुआ है मुझे आइडिया है तो फिर मैं उसको जज करती हूँ अच्छा आई थिंक उसी तरह जैसे हम कोई कपड़ा किसी से मंगाया बहुत अच्छा निकला है तो फिर उस पे एक भरोसा सा डेवलप हो जाता है अच्छा मैं जहाज में बैठी हुई थी तो एक लड़की थी जो शादी होके दुबई शिफ्ट हुई तो उसने मुझे बताया कि नीता पता है मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया है और होता ये है कि मैं दुबई में रहती हूँ वहाँ हर ब्रांड होती है तो मैं जो अपने मैके से मिलने के जो जहाज का किराया है ना वो मैं इस ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू जो मैं बेचती हूँ मुझे ख्वातीन ऑर्डर प्लेस करती हैं वो ऑथेंटिक चीजें दुबई से जब उसको ऑर्डर मिल जाता है पैसे आ जाते हैं ऑनलाइन तो वो वहाँ से खरीदती है उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो अपना टिकट निकालती है अपनी अम्मी अब्बू से मिलने इतनी अच्छी लगी उसकी ये बात और वो बहुत ईमानदार लड़की थी क्योंकि वो अच्छे खानदान से थी वो अपने मियाँ के ऊपर प्रेशर नहीं डालती थी वो कहती थी कि मैं जो हूँ अम्मी अब्बू से मिलने जाना है और दुबई का टिकट जाहिर है वो सारा तो वो इस तरह करती थी ऑनलाइन चीजें किसी ने मंगाया कि भाई मुझे वहाँ फलानी ब्रांड से ला दो तो दुबई में तो सारी ब्रांड्स है पाकिस्तान में हर ब्रांड नहीं होती तो मैंने कहा वाह यार अच्छा वैसे ये वाला ये दिस गेम इज रियली ऑन क्योंकि और ये बहुत गेम्स आजकल स्ट्रॉन्ग हुई हुई है मैं भी वैसे सोच रही हूं मैं भी कुछ ऑनलाइन आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी आपको पैसे आए ऑनलाइन ठीक है अच्छा आप हमें ऑलरेडी कार्ड से पे करवाना पड़ेगा पहले कार्ड से नहीं ऑनलाइन पे हो जाता है मतलब कार्ड से ऑलरेडी आपको ऑनलाइन पे होगा ना सीओडी नहीं होगा कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा ताकि आपको पहले पे करते हैं वो लोग देन यू फ्लाई ज्यादातर ब्रांडेड चीजें तो यार आपको पहले ही पे करनी मिलती है पहले पे करना ही लोकल होता है ऑनलाइन लोकल भी आप 10,000 से ज्यादा का अगर ऑर्डर करेंगे तो वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कैश ऑन डिलीवरी जैसे ये डियोर की बेस है ये 21 से 24,000 के अंदर है
सारी चीज़ें महंगी हैं। ये मुझे मिल रही थी ऑनलाइन और वो ऑथेंटिक था। लाहौर में बड़े बड़े सैलॉन्स वहाँ से ही मंगवाते हैं। मैं बहुत देख के सोच समझ के फिर ऑर्डर करती हूँ। तो ये मुझे ऑनलाइन मिल रही थी कोई 24,000 की। एक पेज ने 24,000 बताया, एक पेज ने मुझे 16,000 बताया। आपने कितने का लिया? मैं क्या इतना डिफरेंस? नहीं नहीं, मैं फिर पीछे हट गई। आपको कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, इन्होंने अच्छे प्राइस में ले लिया फिर मुझे लगा। अच्छा, फिर सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि देखिए ये तो फाउंडेशन है। अब ये चीज़ें जो मिल रही है, मगर जो हमारे ऑनलाइन सेलर्स हैं, ये जो इंस्टाग्राम पे पेज बना के काम कर रहे हैं, बहुत ऑनेस्टी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा जिनसे मैं लेती हूँ उनकी प्राइसेस भी वेरी नहीं करती। जो मुझे न्यूयॉर्क में मेन सफोरा पे जो प्राइस मिल रही है उससे कुछ कम में मुझे मिलेगी, बिकॉज न्यूयॉर्क में ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें और दुबई में थोड़ा कम होगा। तो इस तरह जो है ना ये है, थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस क्या बोल रहे हो? अच्छा, यहाँ मैं ड्यूटी फ्री बहुत ज्यादा है, मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प इसलिए करूंगी क्योंकि मैं दुनिया घूमती हूँ, यूरोप हो या मेरा, मतलब मैं जेवर नहीं बनाती, मैं जो जमा पूंजी होती है जो मुझे मेरी वेकेशन पे चली जाती हूं। हां, तो मेरी ना इस मामले में देखो कुछ ब्रांड ऐसी होंगी जो अमेरिका में बनती हैं, तो वो अमेरिका में आपको सस्ती मिलेंगी, यूरोप में महंगी मिलेंगी, दुबई में महंगी मिलेंगी। कुछ ब्रांड शिपिंग की वजह से कुछ ब्रांड आपको यूरोप में सस्ती मिलेंगी क्योंकि वो वहीं करीब में कहीं किसी से बनती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर नॉट फ्रॉम दुबई। Most of the brands दुबई में आपको सबसे महंगी चीजें, दुबई में आपको सबसे महंगी चीजें इसलिए मिलती हैं कि हर चीज वहाँ इधर और उधर इधर उधर से आई होती है। लेकिन इधर तो वो मुझे बता रही थी ना ये, लेकिन अप्रोचेबल है। दुबई में हर चीज मिलेगी आपको, अमेरिका में यूके वाली हर चीज नहीं मिलेगी आपको, यूके में अमेरिका वाली हर चीज नहीं मिलेगी, आप तड़पते रह जाएंगे ये नहीं है नहीं है। लेकिन दुबई में आपको अमेरिका की चीजें भी मिलेंगी और यूरोप की चीजें भी मिलेंगी। लेकिन मेरा पर्सनली इस फाउंडेशन के लिए एक्सपीरियंस था कि न्यूयॉर्क में ये मुझे महंगा मिल रहा था और दुबई में मैं जब गई तो इज नॉट अमेरिकन ब्रांड, वो यूरोप की ब्रांड है, होगा तो आपको यूरोप में सस्ता। तो वो अब वो तो मुझे यूएस में जो प्राइस मिले दुबई एयरपोर्ट पे, मैंने जब इसी का ये वाला लिया डियोर का, ये अभी ये नया आया, दिस इज डियोर फॉरएवर, ये इससे आगे का है, तो ये मुझे जो प्राइस दुबई में मिल रही थी वही मुझे न्यूयॉर्क में मिल रही थी, या शायद थोड़ा सा दुबई एयरपोर्ट पे महंगा था वो। तो लेकिन जब मैंने पाकिस्तान में उस ऑनलाइन सेलर से मंगवाई ये चीज़ें दोबारा, तो उन्होंने मुझे वही प्राइस चार्ज किए जो एक्चुअली में। अच्छा, अब ये भी एक थोड़ा सा ना खतरे की अलामत आती कि सस्ता क्यों बेच रहे हैं। उस वक्त क्या करें, फैसला क्या करें, छोड़ देते हैं, सस्ती खरीदें, वो तो वही वाली बात है ना कि जैसे वो कह रहे हैं कि तसल्ली नहीं आती जूतों में, कपड़ों में नहीं आती ना तसल्ली, ऐसे मुझे मेकअप की प्रोडक्ट में नहीं आती तसल्ली। मुझे ऐसा लगेगा शूज एंड मेकअप, मैं तो जब ट्रैवल करती हूँ मैं ले लेती हूँ, बाहर जाओ ये ब्रांड का मेकअप। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, इसका भी जवाब मुझे पता है, मैंने पूछा जब मुझे नहीं मिला तो मैं बताती हूँ उसका जवाब क्या है। आपको कहीं सस्ती चीज कैसे मिल रही होती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी ननियाल जो है वो यूरोप में रहती है, ठीक है, यकीन मानेंगे आप जब सेल लगती है ना, वही जूता जो 50 यूरो का होता है वो आपको, हाँ ये तो है, 5 यूरो का उन्होंने खत्म करना होता है, निकालना होता है। बेका ने डिसकंटिन्यू कर दिया, बेका नहीं बनाता प्रोडक्ट, लेकिन उनके पास क्योंकि थे तो उन्होंने मुझे खुद बोला, उन्होंने कहा जोरे तुम बेका यूज करती हो, मेरे पास 2 आए हैं अभी तुम्हें चाहिए, तो मैंने कहा जी ठीक है। तो उनसे मुझे ये फायदा भी हो गया कि जो चीज डिसकंटिन्यू थी उनके पास स्टॉक में थी तो उन्होंने मुझे दे दी, और प्राइसेस भी उन्होंने वही रखे दी। भाई आप होदा, पूरी दुनिया में होता है, लेकिन होता की एक बहुत बुरी बात ये है कि जो पैलेट्स वो आई मेकअप पैलेट्स निकाल देती है फिर वो रिपीट नहीं करती है। आपकी किसी भी शॉप में कोई स्टॉक पड़ा होगा तो आपको पुराने वाले मिल जाएंगे, छोटे वाले वो अपने रिपीट करती है एक एक कलर अलग अलग पैलेट्स में, लेकिन वो जो पैलेट आपका फेवरेट होता है कि आपके सारे शेड काम वाले हैं वो रिपीट नहीं करते। अच्छा, मैंने वैसे हुदा के भी बहुत शेड्स लिए हैं ऑनलाइन और वो उसकी एप्लीकेशन ही वैसी है, आई शेडोज यार बहुत फेक मिल रहे होते हैं। आई नो सच बट फेक है, मैंने ऑन एयर दिखाया है, ऑनलाइन ऑन एयर दिखाया है, और आप पकड़ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, सेम है उसको। आप जब उसको अप्लाई करते हैं ना तो वो शेड एकदम लग जाता है फौरन, जो हुदा होते हैं, हुदा की जो ओरिजिनल है, बट मैंने जहाँ से लिया है ना उसकी भी एप्लीकेशन वही है। अच्छा, तो मेरे पास ओरिजिनल भी है, मेरे पास कॉपी भी है, मतलब तो प्रॉब्लम वो ओरिजिनल ही होगा। हाँ, 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 हो सकता है क्योंकि
पिगमेंट स्ट्रॉन्ग है बहुत, हाँ, बहुत जो नकली वाले हैं वो देखने में तो होता जैसे वो आप तो फिंगर से लगाओ लग गया। हाँ, इसीलिए मैं तो वो बिलीव ही नहीं कर सकती ऑनलाइन मेकअप, इससे बेहतर ये है कि वो आएगा वो गंदा गंदी पिगमेंट ये है कि आपका कोई खानदान वाला या रिश्तेदार जा रहा है आ रहा है आप उसको पहले ही पैसे दे दें। और अगर बहुत मजबूरी तो उसने कहा आप मुझे, मैंने कहा मैं आपको ना 300 pounds दे दूंगी, आई थिंक 1 lakh समथिंग पे, कहती आप दे दें आपकी इतनी चीजें आएंगी क्योंकि दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस आ रही है तो इतनी सेल लगनी है, क्लियरेंस सेल। मैंने कहा बस ठीक है, तो सबसे बेस्ट और मुझे लगता है कि शॉपिंग के लिए जो ये मैंने अम्मी से बात सीखी है, जब सेल लगे ना फिर ही आपको शॉपिंग करनी चाहिए। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा कसम से, यूके में रहने वाले जो वहीं पे पैदा हुए मतलब लाइक बच्चे और वहीं पे जॉब करें वहीं कमा रहे हैं, वो फ्राइडे वाली जो सेल होती है उसका इंतजार करते हैं, सुबह 5 बजे लाइन लगा के अलग अलग ब्रांड्स के बाहर खड़े होते हैं और उनको पता होता है तीन एक बंदे की एक बेटियां थी, तीन बेटियां अलग अलग साइजेस की, नेक्स्ट के बाहर खड़े हुए 5 बजे सुबह। मैं भी उनके साथ गई थी, इनका अच्छा देखो जरा कैसा और उन्होंने एक हैंगर पकड़ा उस पे ठाक ठाक ये उठाया, वो पूरे साल की बच्चों की शॉपिंग करी। तो बहुत अकलमंदी। आप जाती हैं, आप जब ट्रेवल करती हैं आप ऐसी करती हैं सेल? मुझे मैं उस वक्त उन वक्तों में तो ट्रेवल नहीं कर रही होती। नहीं, लेकिन दीदा आप दिसंबर में भी जाती हैं मतलब न्यू ईयर? देखो दिसंबर में सेल ऐसी भी नहीं होती है कि आपको बहुत वो अच्छी मिले, मिल जाती, बहुत रश होता है, बेवकूफ़ी है इन सेल्स में शॉपिंग करना। इवन यहाँ पे अपने मुल्क में भी आपको तभी शॉपिंग करनी चाहिए जब सेल लगे, क्योंकि यहाँ पे भी जाहिर है बहुत महंगाई हो भाई, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जैसे कपड़ों की ब्रांड्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे भी सेल है, यहाँ पे वो सेल नहीं लगती जो दुनिया में लगती है हमारा, मगर यहाँ पे जो जैसे विंटर सेल अभी लाहौर में शुरू हो गई थी ना, तो जो लगती है वो पिछले साल का स्टॉक पहले वो निकाल रहे होते हैं, तो वो फिर उसका वो वाला मजा नहीं आता क्योंकि जो फैशन लाइन से भी हट जाता है फिर जैसे। और सेल मुझे तो ऐसा लगता है जरूरत के वक्त पे यहाँ महंगा कर दिया जाता है, क्योंकि कराची में तो ऐसे जितनी सर्दी गर्मी होती है। मुझे बड़ा दुख होता है जो चीज मैंने 10 rupees की ली है और बाद में उसको सेल पे मैं 2 rupees की देख रही हूँ, उस वक्त डिप्रेशन आता है। जैसे मैंने ना ऑनलाइन एक स्कर्ट लिया, बड़ा अच्छा ब्रांड है, मैंने जीन्स का स्कर्ट लिया, इतना लंबा स्लेट वाला, बहुत स्मार्ट था, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने ले लिया वो 12,000 का, मैंने ऑनलाइन बाय कर लिया, 2 दिन बाद उस पर सेल लग गई, वो स्कर्ट 5,000 का मिल रहा था, मुझे दुख हुआ है, इतना दुख और हुआ। इसी तरह कॉपी का भी दुख होता है, लाइक मेरे पास एक खुदा का हाइलाइटर था जो कि हर मेकअप आर्टिस्ट लेके मुझसे लगा रहे हैं ना सबको, इतना कोई मजेदार, कोई लड़की थी उसके पास भी था मेकअप आर्टिस्ट के पास जो कि कोई इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी, तो ऐसे मैंने कहा तुमने कहाँ से लिया ये जाने, तुम एक्सपेंसिव है ना, कॉपी है। तो ये भी है कि हम एक नंबर चीज लेके घूम रहे हैं और उसका उसका इंपैक्ट अलग होता है हिबा, ऑफ कोर्स होगा, मेकअप में दो नंबर चीज जो है ना, देखो कपड़ों में तो आप कर लेंगे, बड़ा डिजाइनर जो है वो बहुत महंगा बेचेगा उस वो कपड़ा आप खरीद के थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, लेकिन मेकअप जो है ना, लेकिन दिखने में निदा वो ट्विंस थे, बिल्कुल ट्विंस, उसका असल चीज का इंपैक्ट कुछ और ही होगा, आई एम श्योर। अच्छा मैं आपको बताऊं, इससे बेहतर ये है आप घुसे मेकअप शॉप में सफोरा में और आप जाके ट्राई करें। निदा एक और बात, एक दिन आप इसको जरूर कंप्लीट करूंगी। होता क्या है, सबके साथ हुआ होगा ये, आज आपको जो बेस सूट कर रही है ना, तो 3-4 महीने के बाद जब वो शीशी बिल्कुल खत्म होने लगती है जब आप एक बेस पे होते हैं, तो नेक्स्ट आपकी टोन जब आप दोबारा जाते हैं ट्रैवल करते हैं तो कोई और बेस आपकी स्किन को सूट करती है और नंबर भी चेंज हो जाता है। हाँ। ना कि आप गोरे भी नहीं होते, काले भी नहीं होते, मगर पता नहीं वो स्किन टेक्सचर पे ना वो वाली सेम नहीं, वो नंबर नहीं बैठता। हाँ। कोई नया नंबर या कोई नए ब्रांड की बेस आपके मुंह पे ज्यादा उसकी फिनिशिंग अच्छी आ रही होती है, ग्लो आ रहा होता है, देन यू गो फॉर द अदर ब्रांड, नॉट द सेम वन। ये भी होता है जैसे जैसे आप वक्त के साथ ग्रूम होते हैं ना, तो आपको अपने चेहरे का पता चलता जाता है, इसीलिए आप अपडेट करते रहते हैं। जैसे मुझे पंजाब सूट करती थी नार्स की, अब मुझे फीजी सूट करती है। वही देखो तुम ग्रूम हो रही हो, तुम अपडेट हो रही हो। पंजाब से मैं काली लगती थी, डार्क लगती थी, ग्रे लगती थी, खुद ही इंसान को अपना पता आस्ता पता चलता है स्क्रीन। लेकिन वेदर ब्रेक के बाद हमारे दिल में जो शॉपिंग की जो मजे मजे की चीजें छुपी हुई है उसे हम आपके सामने उजागर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, अः
वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शॉपिंग हो रही है, शॉपिंग की बातें हो रही हैं, और इन सारी बातों से कोई ना कोई मज़े की टिप निकल सकती है जो आप तक पहुंचे और शायद आप ज़रा समझदार शॉपोहॉलिक बने, क्योंकि ये गुठी में होता है औरतों की शॉपिंग, और सबसे ज़्यादा इस चीज़ से ख़वातीन की इस चीज़ से मर्द हज़रात तपते हैं। मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ शॉपिंग पे, तुम बहुत घुमाती हो, तुम बहुत ट्रेंडिंग में ना, क्या नहीं आता ऐसे ना, हाँ। आके बेगम बैठी हुई होती, मेकअप कर रही होती, वो आके कहता है मेरे वॉलेट में 10,000 रुपए थे, हाँ। किधर है? वो कहती है, मुड़ के कहती है, जी आवाज नहीं आ रही, हाँ। कहता है मेरे वॉलेट में 10,000 रुपए थे, किधर गए? कहती है आवाज नहीं आ रही। कहता है मेरे वॉलेट में 10,000 रुपए थे, किधर है? कहती है आप इधर बैठे आके देखें, आवाज वाकई नहीं आ रही। वो उसको बिठाती है उधर, अब मियाँ उधर बैठा है, वो खुद खड़ी हो गई। कहती है रात आप व्हाट्सएप पे किससे बात कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। तो मैं कहता है आवाज नहीं आ रही। कहती है रात 12 बजे आप व्हाट्सएप पे किससे बात? कहता है वाकई आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैंने भी देखा, वाकई आवाज नहीं आ रही, चला जाता। So, online shopping is best ना, कि मर्दों को भी कोई तकलीफ नहीं है, that they're waiting and all that. बस वो अचानक से जब क्रेडिट कार्ड जब बेटा जाता है ना ऑनलाइन, हाँ, ये पता नहीं चलता, हमारा वो वाला डिप्रेशन होता है, हमारा तो अपना ही जाता है, इसलिए हमें तो पता नहीं। एक इंडिपेंडेंट होने का ये भी मजा है, क्योंकि ये वाकई शॉपिंग एक थेरेपी है और बहुत सारी चीजों से आपको दूर रखती है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट हैं और कुछ ना कुछ करके कमा रही हैं, तो आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अब्बू भाई मियाँ बेटा जो पसंद है खुद ही ले लो, एटलीस्ट आप आंसरेबल नहीं है। यस, तो किसकी बारी है? फिजा ने दिखाई था, फिजा तुम्हारी बारी है। ये एक चावल मैंने लिया था, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, सब लोग यूज कर रहे थे, तो ये बाल लपेटने के लिए ना, बाल अच्छे होते हैं या कुछ ना, इसको ना मैं बताती हूँ, एक तो सबसे जल्दी बाल ड्राई हो जाते हैं, हाँ। इसको आपको यूं जब आप बालों को छिड़कते हैं तो नीचे से दो मुहे, हेयर फॉल, ड्राइनेस, सही कह रही हो। तो ज्यादातर औरतें क्या करती हैं, ऐसे ऐसे बाल छिड़कती हैं, और फराल के बाल क्योंकि पतले भी हैं और मेरा बाल मोटा है, उसके बाल पतले हैं और बहुत कमजोर बाल है, भी यूज़ कर लेती तो उसके लिए, हाँ, मुझे फिर ये था कि मैं उसको और मैं, हम दोनों ने दो मंगवाए हुए थे, तो हम इसको पहन के पीछे से जो है ना ऐसे बटन लगा लेते हैं बस, तो ये बहुत जल्दी बाल सूख जाते हैं, 3 मिनट के बाद आप हटाते हैं, और कहते हैं इसके अंदर जो फाइबर वगैरह होता है वो भी अच्छा होता है, और जैसे बहुत ज्यादा जल्दी है तो उसको पहन के ऊपर हेयर ड्राई कर लें आप, तो वो आपके बालों पे डायरेक्ट, आपके रूट पे डायरेक्ट नहीं लगता, ब्लो ड्राई होके निकलेंगे। इट्स मोर ऑफ दैट आल्सो कि पहले हम बड़े-बड़े टॉल्स लगाते थे, तो उसका वेट होता है एंड दे फॉल इवेंचुअली, तो ये बड़ा इतना बटन वाला है ना, मगर इसका मटेरियल मुझे नहीं पता ना कौन सा यूज है, इसकी वजह से ना बाल ऐसे बस आपने पहना है ना, चेंज वेंज किया आपने, बस अपने सीरम वेरम जो जो कुछ लगा, फाइबर भी हुए, बाल सूख जाते हैं, ये तो मुझे फाइबर भी नहीं लग रहा, बहुत अच्छा अंदर फाइबर, ऐसे 2-3 जार मंगवा चुकी हूँ। फिर अभी नॉर्मल लाइफ में क्योंकि मैं सर ढाकती हूँ जब मैं जाती हूँ ऐसे शूट वगैरह, तो मैं ऐसे ब्लो ड्राई करके बैठती हूँ, बट मैं नॉर्मली जब कहीं इधर उधर जाती हूँ शॉपिंग ग्रॉसरी पे, तो मैं सर ढाकती हूँ। एक नए किस्म का स्कार्फ था जो कि मैंने हर कलर में मंगवाए हुए हैं, मैं बहुत यूज़ करती हूँ, ये आपको देख रहा है, यहाँ से भी खुला है, यहाँ से भी खुला है, इसको पूरा पहना, इसको आप क्या, हाँ। पूरा आपके बाल कवर होते हैं? बाल खराब हो जाएंगे, और करके दिखाऊँ क्या? नहीं, खराब हो जाएंगे ना, फराल जो पहनती है उसको इस तरह पहनती है कि ये पहन के ठीक है तो उसको ऐसे छोड़ देती है पीछे उसके लंबे लंबे बाल, एंड इफ यू डोंट वांट दैट जस्ट यू कैन कीप दिस वे, जिस तरीके से भी यू लुकिंग सो नाइस, ये तो हर चीज में अच्छी लगती है, लुकिंग लाइक अ वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ, इफ यू वांट अ लिटिल फैशन एंड यू नो स्टाइल थोड़ा बहुत, तो इसके साथ भी यू कैन जस्ट हैविंग यू नो, अच्छा व्हाई डू यू नीड टू कवर योर हेयर, मुझे ये भी समझ में आया कि मट्टी वगैरह से बालों को बचाने, नहीं मैंने वैसे सर ढक लिया है नॉर्मल, मगर वो कहते हैं ना तरीके से अल्लाह ताला हिदायत दे, जिस टाइम पे अल्लाह ताला ने रस्सी पकड़वा दी मैंने पकड़ लेनी है पक्की वाली इंशाल्लाह, तो अभी नॉर्मल लाइफ में मैं वैसे सर ढाकती हूँ, कोशिश करती हूँ जितना मैं ऐसे कवर निकल सकूँ, अबाया शबाया कभी कभी पहन लेती हूँ, मगर मैं सर ढाकती हूँ, कुछ भी कपड़े पहन लूँ स्कार्फ लेती हूँ,
ये सर ढाक ले, कितना अच्छा है यार, वेरी गुड, कॉटन कितनी प्यारी लग रही है, अरब फील आ रही है, हां वेरी नाइस है ना, आपको पता है आप पहले भी रखे अरबिक मोरक्कन, यस यस यू आर कैरिंग इट सो वेल, और इतना पतला मटेरियल है, देखे ना सर में जुए पड़ जाती है, अगर हीट गर्मी आपके सर पे हवा ना लगे, सर पे जुए पड़ जाती हैं, आपको गर्मी से हेयर फॉल होता है, गर्मी से इचिंग से इतनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और स्कैल्प आपका खराब हो जाता है, इससे आपको एयर भी पास हो रही है, पतला सा है, चीजें आ गई हैं। अच्छा इसका मेरा एक और फायदा, मैं ये तो करती ही करती हूँ, एक और ये भी सही होगा, एक और चीज भी करती होती हूँ, जैसे बहुत परेशान हूँ ये भी चलता होता मास्क भी बन जाएगा ये यार, और तो नहीं ना, कभी कभार होता है आप अपने जोन में होते हैं तो आपको तस्वीरें नहीं खिंचवानी, छुप गए ऐसे भी, लेकिन मास्क और गार्मेंट्स जींस पहने लोग फिर भी पहचान लेते हैं, आई डोंट नो कैसे आपने जैसे ये पहन लिया ना उसके बाद पोनी ऑन टॉप, एनीथिंग, और बाल खराब नहीं करके कुछ भी कर सकते हैं आप, वेरी नाइस भाई, ये कुछ भी करती है इस पे सूट करता है, मैं तो सब अंडा लग रही होती है अगर, और ये बहुत सस्ता है 180 रुपए का है तो फिर इसको ऑर्डर करते हैं, नहीं वो आपके फेस की शेप पे भी डिपेंड करता है, जैसे अगर मैं ये पहनूं तो बिल्कुल बहुत लंबा मुंह लगे मेरा, हां नहीं मैं कह रही हूँ ना, कुछ लोग पता है हर चीज कैरी करते हैं, उनका सूट कट जाए उनको आता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट बंडाना बेच दे, तो लगता है इसका कारोबार यही कर रही है इसने, इसको बेच दिया, आप लोग ढूंढेंगे तुम्हारे इंस्टा पे मैसेज करेंगे खुदा के वास्ते हमें, ये ग्रे कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, हम बताए सच्ची बात है, हम इस दफा ब्रांड्स के नाम इसलिए निरे में ले लेती थी कि ब्रांड्स ने ना एक बहुत तमाशा बना लिया था, स्पॉन्सर्ड नाम लिख कर ना उन्होंने अपनी ब्रांडिंग करना जी मेरे साथ हुआ है ना, मेरे दिल करता जाके इसलिए हमने कहा कि हम आपकी हेल्प करने के लिए ब्रांड्स बताते थे, हमें कोई कमीशन थोड़ी मिल रहा होता था, लेकिन शो पे बता के कि किसी को नेक क्रीम बताई थी कुछ, लेकिन मेरा ऐड ही बना लिया, ऐड बना लिया हमें पैसे दिए बगैर, फिर हमने कहा हम नाम नहीं लेंगे, अब तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, वो बता देगी, हेल्प कर देगी। एक ये मैंने बेल्ट मंगवाई थी ऑनलाइन, मुझे इतनी पसंद आई, अच्छी है, इतनी जीन्स वगैरह पे भी ना बेल बटम के साथ, ये कैसे मिल जाती है लोगों को, यार ये कितने की होगी पहला, ये मुझे मिली थी 800 रुपए की, क्या I can't believe this. उल्टी पहनी है मैंने, ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छी लगे, ब्लैक व्हाइट, तो आप लोग ये सब शो के बाद सेल लगाने वाले हैं, ये आप भी क्योंकि मेरा नजर है एक दो चीजों पे, सेल लगानी चाहिए वैसे, आप लोग आज हम तो बेचना चाहिए, हमें शॉप की तरफ लाओ जरा, डायमंडीज दिखाओ और उससे किसी की भी मदद कर देते, और ये डायमंडीज तो ये किसी पे भी चल जाएगा ना, ईस्टर्न तुम्हारे पे भी मिलती बाजार में, जैसे ये ड्रेस जो तुमने पहना हुआ है, लड़की का वेरी नाइस ब्यूटीफुल, तो जो ये ड्रेस भी आपने ऑनलाइन मंगवाया, नहीं नहीं ये तो जाके कहानी इनकी वजह से आज खरीदनी पड़ी, पैसे टूके मेरे, बहुत अच्छा, एक ऐसी चीज बताऊं जिससे सब पागल हो जाएंगे, बहुत मजे की, एवरीबॉडी लाइक देयर फेस टू बी शेप्ड As yes, we. Yes, ये okay. जो लगता है जी इसको बस आपने पहनना है, इसको स्टार्ट करना है, इसके वोल्टेजेस हैं, इसको चार्ज करते हैं चार्जेबल, मेरे ख्याल से सब, ये क्या डबल चिन खत्म करने के लिए, इट्स नॉट डबल चिन, शेप्स योर फेस, इट्स नॉट डबल चिन, ओनली शेप द वी शेप, मेरा तो ऑलरेडी वी है, मुझे इससे ज्यादा वी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा राउंड चाहिए, कुछ बोलने में चाहिए क्या कुछ, बट इट्स आल्सो टाइट नहीं, यू नो ये कुछ है इसके अंदर, कोई लाइट है, लेजर है, तो मुझे नहीं पता, तो उसकी जो वेव्स है ना उससे भी ये जगह अच्छी स्क्वीज होती है, मुझे तो बहुत जॉ क्लियर करता होगा, अबे यार हर चीज फिटिंग में मेरी, और हर ऐसी चीज लाई है जो पहन के डेमो देना पड़ेगा, और वो कर भी रही है, ये इसकी खास बात है, पहनना है ठीक है, और ये क्या जितना टाइट करा वाइब्रेट हो रहा है, टच है, हीट भी अभी लाइट है, हीट ही होती है, इसको चार्ज होता है, वो है स्वाना बेल्ट हमारे ड्रामे में ना, स्वाना बेल्ट वो बड़ा इन है, पेट पे लगा लो तो वो हिलता है, तो ये फिजा आपने नहीं, तो ये कितनी टाइम के लिए रहता है, ये 1200 रुपए का था, ये मेरे ख्याल से क्या, हां 1200-1500 का, नहीं लेकिन इसका यूजेज कैसे है, मतलब ये कितना, या आपने किचन में काम करी है, कुछ भी करी है, इसको आपने पहन लिया, यहाँ पे हीट भी आ जाती होती है उस पर, ठीक है
अब फिर लिंक सेंड कर दिया करें ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, जो ले रही हुआ करें, लिंक भी सेंड किया। मेरे ना फेस पे जो सबसे ज्यादा स्वेलिंग आती है ना खा पी के, क्योंकि बच्चे के बच्चे हुए आलू कबाब हर चीज जो है ना मुझे खाने पड़ते हैं, पराठे सुबह के। अभी तो आप बिल्कुल बच्ची जैसी ही लग रही है, मगर ये मुझे शेप देता है जो सच बात है, बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन अभी तक ना मैंने एक वो फार्मेसी पे जाएंगे ना आप, तो वो एक रबर बेल्ट वाला मेरे पास भी था, मेरे पास वो लेकिन ये है ना शेप रहती है कि नहीं। हाँ ये मुझे सूट करता है। देखो मैं बताऊँ, हम मट्टी के बने हुए ना, तुम्हें मतलब लाइक जब बच्चा पैदा होता है, जब छोटा होता है, हमने इसका ये माथा दबा रहे होते हैं, हम इसकी नाक कर रहे होते हैं, इन चीजों से फर्क पड़ता है, हल्का फुल्का। अगर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, आपकी इस बात पे फनी किस्सा है, बचपन में ना मुझे मेरी नाक मोटी थी, तो मैं ना चुटकनी नहीं होती कपड़ों वाली, वो नाक पे लगा लेती थी, तो मुझे हर कोई कहता था कि ये तुम क्यों लगाती हो, मेरा बिलीव था कि मोल्ड हो जाएगा, और वही हुआ, मेरी नाक पतली हो गई। मैं बता रही हूँ आपको, और वो चीज आती है कि नाक पतली करने के लिए क्लिप लगता है, और ये मैंने बचपन में किया था when I was 7 years old। मैंने कहा इसी से होगी पतली। खैर फिजा के तो मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रेगनेंसी के बाद, बेबी के बाद, मैं इतनी मोटी हो गई थी, मैं सिर्फ और सिर्फ फिजा के टोटकों पे पतली हुई हूँ। मैंने याद है मैंने आपको मैसेज कितने किए थे, इन्होंने मुझे ग्रीन टी बताई थी, मेरे पूरे ससुराल वालों ने वो ग्रीन टी पी। फिजा बिजनेस करो तुम, इतना जबरदस्त जो मुझसे बताएं मैं उनको बताती थी ना, अम्मी ने सारी जिंदगी हमसे यही बनवाया लोगों के लिए, लेकिन हमारे हाथ में अम्मी का वो शिफा है, बस मगर जो चीजें आती है वही। देखिए हर चीज की झूठी दुकान नहीं बेचनी चाहिए, जितनी जो चीज का इल्म है, जो पता है, मैं दुबला कर सकती हूँ लोगों को, और मगर खाने के साथ मेरी जितना भी डाइट प्लान है उसमें यू हैव टू ईट सो मच एंड यू कैन लूज नॉट विदाउट ईटिंग। 5 टाइम का 6 टाइम का मतलब खाना ही है आपको, यू कैन हैव पराठा रोटी एवरीथिंग ऑल टुगेदर, याद है ना आपको। हाँ और तीसरा ये कि जब आप खाना छोड़ते हैं ना डाइट में, तो सबसे पहले आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, चाहे आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, 18 साल के हो। देखा ना बहुत जल्दी लड़कियाँ 18 साल की आके मिलती है, और मैं उनको कहती हूँ यार मैं तो बच्ची लग रही हूँ उसके आगे, तो ये फ्रेशनेस नहीं रहती, जान खत्म हो जाती है, जान नहीं होती। खाना नहीं छोड़ना चाहिए, यू ओनली नीड टू खाने को गुड फैट और बैड फैट का वाला चक्कर भी है ना, कि गुड फैट लेते हैं ना, कार्ब्स भी तो नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ और से हो गया बेटा हमारा डाइटिशियन न्यूट्रिशन, मुझे इयररिंग्स दिखाने। ओके देखा, मुझे इयररिंग्स बहुत फिट लगे, बहुत ही और मैं बिल्कुल भी इयररिंग्स कभी भी नहीं मंगवाए थे। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पास अगर हम ये बाहर से खरीदेंगे ना, यकीन मानो ये 8-9 हजार से कम, ये 1700 के थे, ये बहुत अच्छे हैं। हाँ और मतलब पहली मेरी कोई ऐसी तजुर्बा था जो सस्ता भी था और अच्छा भी था। और यार साड़ी के साथ मैं तो ना मगन हो गई ना शॉपिंग में, लगता है ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूं ना। अच्छे लग रहे हैं ना, प्लीज दिखाना। वाओ ये वाले बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। किसका वेट नहीं है, जब आप शादी में या मेहंदी में झुमके पहन के डांस कर रहे होते हैं ना, थड़ करके वही भारी वाला झुमका गिरता है, तो ये यार बहुत वेटलेस है, यही सबसे किसी को क्या पता बिल्कुल नहीं इसे का पेपर। लेकिन मैं आपको बताऊं निदा, आपके कराची में ऐसी बहुत चीजें मिलती है, मैं कराची की जो शॉपिंग है ना, हमारे लाहौर में ये चीजें नहीं है। इतनी बड़ी मार्केट है कराची की कि आपको इतनी अल्टरनेट चीजें मिलती हैं। अब जिस तरह ये बोल्टन मार्केट है, क्या बात है कराची की इस मामले में, बहुत मुझे तो मेरा तो ऑनलाइन का अच्छा रहा। बोल्टन मार्केट में कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑनलाइन आपको मिलती हैं, और आप बोल्टन मार्केट से जाके देखिए वहाँ सारी ऑनलाइन जो है। लेकिन जाने का भी तो फिर इशू है ना, मैं तो बुर्का पहन के जाती हूँ, मैं तो आज ज़ैनब मार्केट जा रही हूँ। वैसे पान बाजार आप बता के चली जाए, सारे यार इंडिया का माल है ना, सारी दुकानों के बाहर लिखा हुआ इंडियन में ही है। पान बाजार जो लाहौर का है, ये जो साड़ियाँ है ना, ये जो कॉटन की टंगाइल की बनारसी, अभी भी वहाँ इतनी सस्ती मिलती है, वहाँ पे 8-8 सौ 12-12 सौ 2-2 हजार की पूरी पूरी साड़ियाँ उनको कटवा के डिजाइनर पूरे पर, वो इंडिया से ही माल आता है ना, इंडियंस में ही उनके ब्रांड्स हैं दुकानों के बाहर। पान बाजार को जाके अगर नहीं जाता तो अनाड़ी है, अनारकलियन पान। तुम बताओ क्या है भाई नेक्स्ट। अच्छा स्किन से रिलेटेड है,
जैसे मैं रेटिनॉल यूज करती थी, मैं बाहर से मंगवाती थी रेटिनॉल क्रीम. अच्छा. और आपको पता है ना रेटिनॉल जिसको सूट कर जाए तो स्किन अच्छी रहती है. अच्छी. तो मैं ना ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से मंगवाती थी, मुझे बहुत महंगी पड़ती थी. तो अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑनलाइन पेज है, नाम नहीं बता सकती. नहीं वरना तुम्हारा कमर्शियल चला के वो घिस देंगे. उनका मैंने ये रेटिनॉल यूज करना शुरू किया, लोकल ब्रांड का. लोकल ब्रांड. लेकिन ये इतना अच्छा हीरा निदा, है ना. ये इन्हीं का मैं ये सनब्लॉक यूज करती हूँ, वो भी मैं बाद में आपको बताती हूँ. मैं एक एक चीज, ये इतनी अच्छी है एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू द क्रीम दैट आई हैव बीन यूजिंग. और सस्ती भी होगी वहाँ के मुकाबले में. सस्ती है, मतलब 3-4 thousand की रेंज है. आपको पता है रेटिनॉल जो ऑस्ट्रेलिया जो मैं वो यूज करती थी वो तो मुझे 16-18 thousand की पड़ती थी. कितने अच्छे हैं ये आर्गन ऑयल, ये बहुत अच्छे, इनके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं. और निदा ये बहुत लोग यूज करते हैं. ब्लैक सीड ऑयल बहुत अच्छा पेज यार. ब्लैक सीड ऑयल वैसे भी स्किन के लिए बहुत अच्छा, मैं लगा रही हूँ. हाँ, स्किन केयर की बात हो तो इतनी बातें याद आ जाती है मुझे. बताओ दिखाओ. अच्छा, तो निदा स्किन केयर का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, बिकॉज आई थिंक स्किन केयर सबसे ज्यादा जरूरी होती है. लेकिन अब जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, जो मिल रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली वो बात तो अभी हम कर ही रहे हैं. लेकिन एक चीज़ आई वांट टू शेयर कि मैंने वो सारे प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में सारी शॉप्स पे फॉर एग्जांपल 3,000 या 4,000 से स्टार्ट हो रहा है, कोई 6 का बेच रहा है, कोई 8 का बेच रहा है, कोई 10 का बेच रहा है, कोई 12 का भी बेच रहा है, जिसकी एक्चुअल प्राइस इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, बहुत सस्ता है. और वो मुझे एक सेलर मिले जो ओरिजिनल चीज़ें बेच रहे हैं लेकिन उनको खुद डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है, तो वो बहुत सस्ती बेच रहे हैं. तो ये समझ लें कि जो सारी क्रीम्स मेरी 60-70 thousand की आनी थी, वो मेरी 25,000 में सारी आई हैं. एंड इतना है कि वही चीज़ मैंने जब आई डोंट वांट टू नेम इट, लेकिन जब यहाँ पे बहुत फेमस एक स्टोर है जहाँ सब जाते हैं, मैं जब वहाँ गई तो वही क्रीम जो मैंने 2,000 rupees की ली थी वो वहाँ पे 8,000 rupees की थी. और मैंने आके अब सबको बताया, अपनी नन को, अपनी बहन को, सबको कि प्लीज़ गो. सब इतने लेजी हैं, किसी ने भी अमल नहीं किया. सब ये कहते हैं कि आई थिंक मे बी कोई शक आ गया होगा कि प्रोडक्ट सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने यूज किया है ना, पहला थॉट वही आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मैंने मंगाया है, दिस इज़ हर स्किन ड्रिंक. ये स्किन ड्रिंक है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ गुड प्रोडक्ट्स, इट हैज़ हाइलुरोनिक एसिड, जैसे मैंने इट्स क्विकलिन एंड रोज़ डेमस्किस, इट हैज़ अ लॉट ऑफ गुड स्टफ. तो उसके अलावा लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ द दिस इज हाइलुरोनिक एसिड, एक्चुअली हाइड्रेट्स योर स्किन. तो मैं वो तो पता है हमें सब चीज़ें. हाँ, ये क्या मैं ये ब्रांड से मंगाया है. हाँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये सारी दो चीज़ें मैं अभी ले आई हूँ, बाकी मैंने खोली नहीं है. तो ये सब चीज़ें मुझे वहाँ से समझ नहीं आ रही है. तुमने एक कोई ब्रांड ढूंढी है. मैंने एक सेलर ढूंढा, वो बाहर की चीजें जो बाहर की चीजें सारी बेच रहा है. अच्छा. और वो सारी ओरिजिनल कैसे ढूंढती हूँ बहन, मुझे ये. हाँ, ये आप, मैं आपका मेकअप का भी सेलर ढूंढा, इसका भी ढूंढा, कैसे ढूंढती निदा? मैं ना बहुत ज्यादा रिसर्च करती हूँ. मैं इंस्टाग्राम पे जाकर हर तरह की चीज को फॉलो करती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि इंस्पिरेशन कहीं से भी किसी भी वक्त आ सकती है. बहुत सारे लोग अपनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, उसके मैं स्क्रीनशॉट्स लेती हूँ, फिर उस पर मैं रिसर्च करती हूँ, और फिर मैं उसके कमेंट्स पढ़ती हूँ, फीडबैक, यूट्यूब वीडियोस, सारी चीज़ें, एंड देन डिसाइड करती हूँ कि विच वन आई वांट टू गो फॉर. फॉर एग्जांपल अ फाउंडेशन, कोई ऐसा नहीं होगा जो ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ना हो, बट आई प्रेफर डियोर, क्योंकि मुझे पता है कि दिस सूट्स माई स्किन रियली गुड. तो इसी तरह जो है ना, फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देखें, अब ये क्या है, ये एक छुरी है. छुरी है एंड इट्स अ क्लिप. तो या इट्स अ हेयर क्लिप. So for example, if I put it here and if I'm doing a high fashion shoot, then this can look so cool. तो ये तुमने ऑनलाइन मंगाया? हाँ, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया. मेकअप करते हुए भी आप यूज़ कर सकते हैं? नहीं कट जाएंगे? नहीं, ये बहुत आराम से है. ये बहुत नहीं, वैसा कुछ नहीं. मैंने कहा ऐसा हो तो कोई आए रास्ते में नेचर तो नहीं बंदा नहीं 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 बंदा ये भी कर सकता है. कभी कभी ऐसे निकाला तो सेब काट लिया. अब ये इयररिंग्स हैं, खाली बालों में लगाएंगे, सेब काट रहे, खा रहे, फिजा क्या हो गया. फॉर एग्जांपल दादा, आप ये देखें, ये मैंने पूरी थीम बनाई. मैंने ये ड्रेस लिया ऑनलाइन और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. आई एम नॉट गोना शो द ड्रेस, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि ये एक ड्रेस है, एक ये ड्रेस है. आप दोनों की क्वालिटी भी फील करके देख सकते हैं, बहुत अच्छी है. बहुत चीप मुझे पड़ा उसके साथ, क्योंकि ये ब्लैक ड्रेस था. चाइना का था या कहाँ से लिया तुमने? नहीं, ये मैंने पाकिस्तानी सेलर हैं जो बेच मतलब कपड़े सेल कर रहे हैं, लेकिन बाहर से मंगा रहे हैं. उनके कट्स, उनकी फिटिंग्स, सब ऐसा लगता है कि मैं यूरोप अमेरिका से लेके आ रही हूँ. इट्स रियली गुड. और फिर उसके साथ मैंने ये लिया साथ ही में, एंड इसके साथ मैंने एक और चीज़ ली थी ऑप्शंस की तरह, कि मैंने कहा मे बी आई विल गो विद दिस,
या तो अगर ये नहीं तो फिर सिर्फ ये, मतलब ढूंढना पड़ता है और थीम बनानी पूरी थीम ब्रेक के बाद आके मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी वापस. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. मुझे आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज शो की होस्ट नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं व्यूअर हूँ क्योंकि ना मैं ऐसे मजे से तुम लोगों की शॉपिंग की कहानियाँ सुन रही हूँ. और अभी ब्रेक पे जाने से पहले जो तुमने मुझे बुंदे दिखा दिए उसका सौदा हो गया है. हाँ, वो उसकी बोलियां लग रही हैं. ये है बैग भी दिखाना साथ. अच्छा, अब इस जोड़ी इयररिंग्स के साथ जो है ना ब्लैक ड्रेस था. और इस ब्लैक ड्रेस के साथ ये फुल ड्रेस. ये कभी ऑनलाइन शॉपिंग पूरी चीजों की भी होती है ना, आपको कहीं जाना है. बिल्कुल बिल्कुल. अब इसके साथ ये बैग है तो इधर दिखाना. उधर कॉशन स्टॉप कैटवॉक इन प्रोग्रेस. ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि इतना कूल लगेगा. आई एम जस्ट होल्डिंग. अच्छा, इसके अंदर जो इसका होता है ना द स्ट्रैप, वो मैंने अंदर डाल दिया बिकॉज़ आई जस्ट वांट टू कैरी दिस क्योंकि बाहर ऐसे ही रखा होता है ना रोड पे. तो और फिर इसके साथ ये ब्लैक ड्रेस इयररिंग्स शायद मैं मैच करूं, पेयर अप करूं, शायद ना करूं. नहीं, अच्छे लग रहे हैं. हाँ, लेकिन ये रेड येलो बहुत कलर केओस हो रहा है तो इसलिए आई माइट स्टिक. तो ये मतलब पूरी लुक थी जो मैंने बहुत सस्ते में बनाई. ना आप यकीन माने ये बैग और ये इयररिंग्स, अब आप लोग मुझे बताएं कितने के होंगे. आपने तो जितने के भी है मैं डबल देने के लिए जितने के भी है मैं अभी के अभी डबल देने के लिए. इयररिंग्स आया मेरे पास 400 या 300 ने दा बेच दे बेच दे 300 रुपए. नहीं, फिर मेरे सेलर ने गलत किया. यही इयररिंग 900 का हो गया. 300 में ही उसने एक भेजा और कहता बाजी ये एक ही होता है. क्योंकि आप देखें ये 900 में सौदा कर रही हूं. ये जो बुंदे हैं ये 300 रुपए के माशाल्लाह से. और वो जो बैग है वो 850 रुपए का है. आई एम सरप्राइज्ड. ये और ये लड़की जो है ना ये कोई, मैं कहती हूँ कि बस तू शॉपिंग की माँ है. और निधा मैं आपको बताऊँ, ये तो चले वो हो गया ना फंकी स्टफ, लेकिन अगर हम ईस्टर्न देखें तो ईस्टर्न में भी पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ. ये तो इयररिंग्स हैं महंगे, ठीक है, तो इसकी तो बात हम नहीं करते. लेकिन ये ऑनलाइन मिला है मुझे पाकिस्तान में, प्यारा है, बहुत प्यारा है. लेकिन अब मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें आप, ये हेयरबन के लिए इसमें आपने जूड़ा बनाया, ये आपने बालों में लगाया, इस तरह आपने बालों को लॉक कर दिया. इतना स्टाइलिश है, इतना फैशनेबल है. हैंड के लिए भी मैंने रखा हुआ है. ये पहले उसकी कहानी खत्म करो ना, आगे बढ़ो, क्या हो गया. तो अब इसने बन लगा के बन बना के बाल आपने लॉक कर दिए और इतना फैशनेबल है. 200 या 250 यार, ये क्या है, बहुत अच्छा है भाई. तुम अपनी अम्मी से कहो अपने भाई की शॉपिंग इससे करवा ले यार. ठीक है, अब आप उनसे भी एक महारत वाली आ गई. अब आप ये देखें 501 502 और 503 बटन कर दिया. ये देखिए निदा, नीलामी हो रही बेटा तुम्हारी चीजों. वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. अब ये भी कितना अच्छा है, कितना फैशनेबल, कितना स्टाइलिश है और इतना सस्ता है. ये क्या है, खुद पैसे पहनते ज्वेलरी. मैं इस तरह का लेकर आई थी वहाँ से, ऑल्डो से शायद. अच्छा, महंगा था. नहीं निधा, मुझे तो बहुत सस्ता पड़ रहा है, इंतहा से ज्यादा. मैं बता रही हूँ, 200 रुपए कितने, 300. मेरी कोई शॉपिंग निधा मतलब इतनी महंगी नहीं होती. दिखा दे, आप दिखा दें बस. अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये इयररिंग्स दिखाऊं. ये भी इतने खूबसूरत, अगर आप इसकी डिटेल जूम इन करें जरा. ऐसे रखो हाथ पे, यूं दिखाओ. एक सेकंड, दिखाते हैं ना जिस तरह ऑनलाइन. जी 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 जी, ये ये लड्डू वाला, ये माउस कलर, लड्डू पीला कलर. लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आपको सस्ती चीजें मिल रही है तो उसकी क्वालिटी. अब आप देखें ये चीज है, ये बहुत महंगी है ऑनेस्टली भाई. काले पड़े या कुछ भी पड़े, 200-300 की चीज है. अच्छा निधा, इसकी क्या प्राइस है? निधा आपको क्या लगता है इसकी क्या प्राइस होगी? शो मी 150. जरा वो क्लोज बनाए, जान से ज्यादा ही हो गया. क्लोज बनाए, क्लोज. आई थिंक 1000 प्लस है. बिल्कुल सही गई है ना, 1000 प्लस नहीं है, इट्स जस्ट अंडर 1000 या 1000 था, इससे ज़्यादा नहीं था. इसके साथ मैंने ये रिंग भी ली थी जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है. दिस इज़ द मैचिंग रिंग दैट आई. वो है जो ऑनलाइन बिजनेसमैन को बर्बाद करती है. और निधा सब छोड़ें, ये देखें डिटेल का मुझे इतना शौक है जिसकी कोई हद नहीं. तो अब ये इतनी छोटी सी चीज़ है क्या है, लेकिन ये इतनी ज़रूरी है. अब ये देखें, ये बटरफ्लाई का विंग है, ये इयररिंग है. इतनी छोटी चीज ढूंढना, दिखा दो भाई. ढूंढना नहीं, हमें नजर नहीं आ रहा. हाँ, क्यूट है, देखा, बटरफ्लाई का विंग है. ये कहाँ लगाते हैं? कानों में, इयररिंग है. लेकिन आप डिटेल देखें कितनी खूबसूरत, मतलब आप दोनों. और फिर ये भी मुझे बहुत, ये पड़ा था मुझे 150 का जो आपने कहा.
तो ये है कि शौक हो तो फिर बंदा पहुंच जाता है जगह ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। रख लीजिए आप, इससे पहले मैं कहीं और रख लूँ उसको। तो ये है। एनीवेज इसके अलावा ये हेयर क्लिप्स मैंने लिए जो कि बहुत अच्छे हैं, ये भी मुझे बहुत सस्ते पड़े जो आप यहाँ पर यूँ करते हो हाँ, तो ये बहुत मुझे अच्छे लगे। इससे बाल नहीं टूटते, इससे आपका हेयर डैमेज कम से कम होगा। हाँ, और बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत सस्ता है। मुझे बस देखिएगा आपके मियाँ पैर रख के इस पे चढ़ ना जाए क्योंकि मेरे मियाँ तो मेरे सारे जो क्लिप होते हैं ना वो ऊपर उस कैचर सब उनके पैरों में आके टूटे या तो बैठ जाते हैं ऊपर आके। इस हिसाब से तो मेरे मियाँ बड़े अच्छे हैं, उन्होंने आज तक मेरी कोई चीज ना छोड़ी ना आपकी। वो तो उल्टा मुझे कह रहे थे यहाँ से। अच्छा, अब मैं ये हेयर पीस दिखाना चाह रही थी। अच्छा, ये मेरे ना अभी थोड़ा टाइम पहले तक माय हेयर वाज लाइक दिस कलर, डार्क, ठीक है। तो आई वांटेड दोस फ्रिंजेस ना, तो मुझे अचानक से ये दिख गया ना, अब तो हेयर ही वो वाला नहीं हुआ है। तो ये इट्स जस्ट लाइक दैट के ऐसे लगा लिया बीच में, लगता है बीच, आई डोंट नो, आई कांट से, सही लगा है ना, वांट मी टू बीच में जाके, मतलब जिसके काले बालों लाइक आपके इस डार्क हुए हैं तो ये लगता है मेरे पास है। मैं ये अच्छा नहीं था, इन्होंने ये पीस लिखा है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ विक्स की रिक्वायरमेंट होती है, लोगों को भी विक्स का शौक होता है और एक्टिंग में तो होता ही होता है। अच्छा, अभी थोड़ा सा भी जो लुक आ रहा है ये 300 रुपए का है, 300 का। तो और आप इसके बाल देखें, पता है क्या, सीरियसली हमारी जो कुछ खवातीन है ना उनके आगे से बाल कम हो जाते हैं, उनके लिए भी ठीक है, इतनी बेस्ट है ये। आप देखिए ना, दो बड़े कर्टन वाले वो भी हैं, कर्टन वाली बड़ी लटे भी हैं ना, ताकि जो मेकिंग लेंथ है। हाँ, और निदा यहाँ पे ना विग्स बहुत कम लगाए ना, फिजा आप लगाए ना, यहाँ पे विग्स पर कलर सेम है ना। हाँ, क्योंकि हम सबका मेरे पास है, मैं एक बनवा कर लाई थी, वो बहुत घने कार काफी से बनवा कर लाई थी, मैंने यूज भी बहुत किया। अच्छा, मेरे हिसाब से ये 300 रुपए में ये क्वालिटी मिल जाना, और वो फिर 300 में तो आपकी बहुत सस्ती, मैं बहुत महंगी लाई हूं। आपके बालों के साथ ऐसा नहीं लग रहा है कि प्लास्टिक सिंथेटिक लगा दिया है ना? अच्छा लग रहा है, देखें फिजा पे अच्छा लग रहा है। मर्च कितना अच्छा हो गया। इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी, एक एक एक्सपीरियंस करना था मैंने कि ये बालों में, लेकिन 300 रुपए में जब ये आया तो आई वाज शॉक। ये आपने ऑनलाइन मंगवाया? जी जी, 300, वही तो मर्ज हो गया है। तो जैसे कुछ जगह है जहाँ मिल रही है जो बहुत रिनाउंड है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कि उनकी 2-3 लाख ये आराम से, लेकिन मैंने अभी एक दो जगह से विग्स मंगाई और मतलब ऑनलाइन ही, और वो मुझे लिटरली रियल हेयर एक्सटेंशन, रेमी हेयर एंड इंडियन हेयर, रियली गुड ओरिजिनल हेयर विदाउट अनट्रीटेड हेयर, कुछ नहीं आवाज पे। And trust me, I got it for 35,000. Mixed तो नहीं है। कैसे? और वो इस तरह मुझे पता है कि आप ये देखें, ये जो मेरा स्ट्रेटनर है, ये बहुत अच्छा स्ट्रेटनर है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमें ऑनलाइन बहुत अच्छा मिल जाता है अगर रिलायबल सोर्स। You have that wig with you right now? No, I didn't bring it, obviously, but I can send you the link of the seller who's selling it. So you can buy it. तो मैंने जब भी देखा ना कि मैं गई और मैंने उनके आउटलेट्स विजिट किए, 3-3 लाख की हेयर विग्स उस क्वालिटी की भी नहीं, यहीं पे पाकिस्तान में। ब्रांड का नाम नहीं ले सकते हो ना बताती। तो फिर जब मैंने ऑनलाइन ढूंढा और मुझे 35,000 की मिली, इतना मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने कहा ये एक स्कैम है। बट जब वो आई और उस पर मैंने अपना ये स्ट्रेटनर और सारी प्रोडक्ट्स यूज़ किए, इट वॉज रियली गुड, इट एक्चुअली रियल। बात सुनो, मतलब तुमने ये रिस्क लिया है क्योंकि अगर वो बाल वो नहीं निकलता 35,000 का, और नहीं तो पकड़ना और आपकी सबसे खूबसूरत बात ये थी निदा कि वो जो हेयर लाइन होती है ना वो इतनी रियल होती है, उनकी इतनी रियल होती है कि पता नहीं चलेगा आपने विग लगाया। You ordered a wig, right? Sorry? Wig थी वो पूरी। Yes, it was a wig and I'm talking about the hair line. Hair line was so good कि पता नहीं चलता था कि आपने विग लगाई है। यहाँ जो लोग विग्स लगाते हैं साफ पता चलता है विग लगी हुई है, बट उनकी हेयर लाइन ऐसी होती है कि उनका जो नेट आगे से यूज होता है वो इतना स्किन में ब्लेंडेड होता है कि जब आप वो लगाते हैं तो पता नहीं चलता कि इट्स विग। अब वो है नहीं तो मैं उसकी तारीफ नहीं और हम तो लानी चाहिए थी, हम तो 2.5 लाख की 3 लाख की विग से कम बात ही नहीं है। अब तो ये मतलब 35,000 में तो अब 2-3 अच्छा भाई, वैक्यूमिंग के लिए मैं दिखाना चाह रही थी। हाँ, ये कितनी मजे की चीज़। टेलकॉम यूज करते हैं मेरे पास, वैसे तो सैलून्स वालों को जो बहुत एक्सपर्ट है उनको तो पता ही है। रेड कलर में जस्ट दैट सेट, कोई मेरे पास वुडन में, जस्ट सी द बाउंस, सबके पास है मेरे पास नहीं है। यार ये बहुत अच्छी, बहुत मजे की है भाई, इसके बड़े अच्छे यार। आपके खुद भी बालों में कितना बाउंस है? वो तो मेरे है, वैसे मैं बता दूँ किसी को भी यूं ये वो जो कुछ भी चाहिए ना, मेरे पास नहीं है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सपोज थोड़ा सा कार्टून लगूंगी बट बेयर इट,
और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट कर रही हूं, लाइक फिजा की इंटरेस्टिंग लग रही है, बहुत हर चीज कर करके दिखा रही है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट करके दिखा रही हूं, आई एम जस्ट शोइंग कि लड़कों को भी बड़ा शौक होता है ना ऐसे बाउंस वाला, तो लाइटर स्प्रे अगर करना है तो कर लो वरना कोई ऐसे जरूरत नहीं है। वेरी गुड, छोड़ दो। ये कहां से मिला और कितने का लिया बहना? ये भी ऑनलाइन 150 रुपए का ही है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। मुझे सब चाहिए आज ही चाहिए। कैचेस हैं वो बाजार में अगर आप जाते हैं तो मेरे ख्याल से 1300 1200 1500 के मिल रहे हैं, तो ये ऑनलाइन में मंगाया था 300 रुपए का है, ये बहुत अच्छा है। और एक ये चीज मुझे लगता है हर एक के पास होनी चाहिए घर में, ठीक है, ये वो हैंगिंग की चीज है, इसको ना निदा मैं आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ी सी ना टेबल यहाँ पे कहाँ लगाएंगे मैं आपको दिखा, इस पे आप बंदा लटका दे वो भी नहीं कुछ उसको जाना। बंदा लटका, लेकिन मैं आपकी बात से अच्छा से डिसएग्री करूंगी, मैंने ये खरीदा था लेकिन इसके साथ एक और अब नया आया है जो क्लिप है, वो आप कहीं भी लगा देना उसमें आप बंदा लटका दे, ये ना विद टाइम मॉइस्चर से ग्लू छोड़ देता है। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे साथ में साल में कब से लगा किचन पे आप ज्वेलरी वगैरह, मैंने ज्वेलरी नहीं इस पे मैंने पौधे लटकाए हैं लाहौर में, इसके हैंगिंग मेरा जो गार्डन है ये इशू नहीं है कराची में, क्योंकि समंदर है और नमी है ना, दीवार से निकल जाए वहाँ, तो मैंने पूरे पूरे बड़े बड़े गमले वाले पौधे नहीं होते वो, उनको हैंग रस्सी बांध के पौधों इधर पौधे के रस्सी बांध के उनको पूरा पूरा हैंग किया, वो इतने हैवी हैं वो पूरी पूरी वॉल पे अटके हुए इसके साथ, इसलिए मैं ये कहती हूँ ये सबके घर होना चाहिए। और फिर ये ना अंदर शेल्फ के ना ग्लासेस लटकाने के लिए जगह खाली, आपने शेल्फ खोला अंदर लटका दिए, फिर चम्मच लटकाने के लिए ऐसे उल्टा ऐसे जैसे किसी की शेल्फ ऐसे बनी हुई हूँ आपने अंदर लटका दिया उसको ऐसे हैंग कर दिया, ज्वेलरी के लिए इयररिंग्स के लिए बहुत सारी चीजों के लिए बैंगल्स के लिए बड़े ऑनलाइन चीजें मिल, मेरा हेयर ड्रायर के ऊपर अटक जाता है, स्ट्रेटनर वॉशरूम में हर चीज ऐसे बिल्कुल सेटल्ड है। निदा आईलैश कर्लर है इलेक्ट्रिक है, चार्ज पे लगता है, आपको कोई दर्द नहीं होगा, कोई करंट नहीं लगेगा, कुछ नहीं, और जब आप उससे अपनी आईलैश एक दफा कर लेना, वो गरम होता है क्या होता? हल्का सा गरम होना चाहिए ताकि वो लास्ट, मैं तो वैसे ही गरम करके करती हूँ नॉर्मल वाले को, हाँ, वो ब्लो ड्रायर से करना पड़ता है ना, मैं कभी भी आईलैशेस आपको कलर पता है, अगर आप आईलैश कलर को हल्का सा ब्लो ड्रायर से गरम करके करो ना आपकी लैश घंटों तक स्टे रहेगा, इवन आप मस्कारा नहीं भी लगाएंगे अगर आपकी पलकें थोड़ी सी अच्छी, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक है ना वो, अब यकीन माने मैंने अपनी बहन से बोला, मैंने कहा मुझे तो और फिर वो मैंने उससे पूछा कितने का, मुझे लगा महंगा होगा, बट मेरी बहन है तो मुझे कहती है आप ही बहुत सस्ता है, 450 रुपए का लिया है, और कोई ऑनलाइन उसने भी अम्मी से आगे बहनों में क्वालिटी है। मैं आपको दिखाती हूँ जो अभी मैंने 3-4 दिन पहले ऑनलाइन शॉपिंग की, कलर बहुत मजे का, अच्छा ये मुझे ऑफ पे मिला है, अब आपको पता है ये टेड बेकर तो एक्सपेंसिव होता है, ये मैंने लिया है 27,000 का, फिर भी ऑफ कोर्स उसकी क्वालिटी बता रही है, 27,000 लगा दिए, आपको डिप्रेशन नहीं हुआ? नहीं इस पे नहीं हुआ क्योंकि ये वर्थ थी, ये वर्थ है, तो ये अभी मैंने 2-3 दिन पहले की भी मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया, मतलब उनका ऑनलाइन स्टोर है वही जो मैं आपसे फेस्टिवल की बात नहीं कर रही थी, ये एक बैग ये था, बट बताऊँ अपनी मजे मजे की शॉपिंग, that golden lashes, okay, are? Yeah, this is also good, acha neda, these are the what are these eyelashes. Iski sabse pyari baat kya hai, kya ki iska wo line nahi hai jo bani hui hoti hai lashes mein, aur pata chalta hai ki lash laga, to line nahi hai to kya hai, kaise neda aapko, agar aapko neda ko pass kare aap jab ye lagayengi na aankhon mein, ha to aap yahan pe matlab main kaise say ki uska jo wo hai wo dori thread jisme hum liner lagate hain wo nahi hai, aur thread bahut patli hai, ha isko wispies kehte hain, they are called wispies, and iska fayda ye hota hai ki pata nahi chalega ki aapne eyelash lagayi hai, aur ye bhi mujhe online mila, मुझे यही लगी हुई है अभी,
बिल्कुल बारीक थ्रेड वाली। यार मतलब ये एक बहुत अकलमंदी वाली बात आपने बातों बातों में बता दी है कि आपके पास कोई सामान आया उसके ऊपर बार कोड होता है। ऐसे ही वेरीफाई और बार कोड से आप वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे प्रोसीजर क्या होता है? एप्लीकेशन होती है फोन में, आप उससे बार कोड स्कैन करें। आप उसी वेबसाइट पे, कुछ वेबसाइट में ऑप्शन होते हैं। क्या कौन सी एप्लीकेशन है, कुछ याद है? मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ऐसी टेक्निकल चीजें सारी मुझे करके देते हैं। ये दिमाग उनका है कि वेरिफिकेशन ऐसे करो वो करो, लेकिन मेरा इतना अच्छा नहीं। ये आपने खुद ढूंढा इसका? नहीं, ढूंढी मैंने खुद, मैंने लेकिन ओरिजिनल है क्योंकि ये इस पे बार कोड है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि तो बिल्कुल ये एक बहुत अच्छी टिप है कि अगर आप महंगी चीजें मंगवाते हैं और उसके मुझे बार कोड होता है उससे आप से लगाती हूं ना, तो मुझे ना बहुत महंगी मिलती है यहां से। ये कितने का लिया आपने? ए बा पागल हो चुके शायद, मुझे लिटरली से ये कितने का लिया? पर्सनली करके जाएगी। अरे निधा इसका भी मैंने बार कोड करके उन्होंने मुझे दिखा के फिर दिया ना। निधा पैसे तो पूछ लेना, ये दो पैलेट्स मंगवाए। अब ये भी हुदा ब्यूटी का है, ओरिजिनल, ये रियल है और मुझे रियल ही मिला। इस पे भी बार कोड था बहन? इस पे भी बार कोड होता है, नहीं इस पे पैकिंग हुई भी थी तब था, अभी नहीं है। तो ये मुझे बगैर बार कोड के मिला था, लेकिन ये भी ओरिजिनल है क्योंकि ऑब्वियसली जो ओरिजिनल यूज करता है उसको समझ आ जाती है। तो फिर इनका जो होता है ना निधा, आई थिंक कोई एक और तरीका होता था वो देखे। हाँ याद आ गया, क्या? सीरियल नंबर, हर प्रोडक्ट के पीछे सीरियल नंबर दिया हुआ होगा। आप उनकी ही वेबसाइट पे जाएं और जाके सीरियल नंबर डालें और देखें कि आपके पास आपका सीरियल नंबर उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग कॉपी भी करते हैं, लेकिन वो जो कॉपी किया हुआ होता है ना, वो उन अक्सर जो है ना वो पता चल जाता है कि इट्स नॉट रियल, क्योंकि उनके पास कोई वेरिफिकेशन वो होता है कि बार कोड अगर मिल जाए तो बेस्ट है। अदरवाइज सीरियल कोड से भी आप मैच कर सकते हो, और जो फेक होगा उसके पीछे आपको कोई सीरियल कोड नहीं मिलेगा। यार देखो यार कितनी छोटी छोटी चीजें पता चल रही है। इससे पहले कि वाइंड अप करें हम जरा दिखाना, मुझे तो अपना फैन दिखाना। हां यार तुम्हारा फैन दिखाना, यार क्यूट है, यू बहुत क्यूट फैन है। अल्लाह शूट्स पे आप ये रखते हैं? नॉट ओनली फैन फॉर ब्रीफकेस, इट्स अ सूटकेस एंड इट हैज अ मिरर एंड इट हैज अ लाइट, बत्ती भी है, सेल्फी की बत्ती। यू कैन लुक एट योरसेल्फ अंधेरे में गाड़ी में बैठे हैं ना। अच्छा अभी जैसे मैं शो के बीच में कह रहे थे कि शीशा दिखा दो, तो आप इमरजेंसी में इसमें शीशा देख सकते हैं, फिर इसको बंद करके अरे गाड़ी में आप बैठे होते हैं, अंधेरा होता है वहाँ भी आप देख सकते हैं आराम से, और ऐसे हवा भी खाते रहे आप। वेरी गुड, सांस सांस सही आ रहा है। ये मुझे यार ये थोड़ा उस वक्त पर बिल्कुल जब आई थी ना ये चीजें नई नई, तभी ले लिया था। अंदाजन कितने का? फिर आई थिंक उस वक्त 2-3-4 हज़ार का था मेरे ख्याल में। ये महंगा है? हाँ हाँ, क्योंकि अब बहुत अच्छा, अब बहुत लाइट वेट और बहुत हल्के अजीब से आ गए ना। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा दोबारा नहीं दिखा। ये चार्ज होता है? हाँ चार्ज होता है। अच्छा ये भी दिखा दो, बड़ा पहले ब्रेक पे जाना है बहने, बहुत सारी बातें करो तुम लोग। अच्छा ओके, ब्रेक पे जाना है, क्या करूँ? किसी और का दिखा दो मिले। नहीं नहीं ये दिखा दो, खत्म करे ताकि खुल नहीं। अच्छा ये ना बहुत सस्ता सा एक ब्रांड है और उनका ट्रे है इसके ऊपर। आप जब होते हैं ना आपके मेहमान आते हैं तो आजकल नया ट्रेंड चला है, आप इसके ऊपर छोटे छोटे या चीज या कोई ऐसी चीज, और इतना मजे का है, ये कस्टमाइज बनाते हैं एक्चुअली। इनकी अच्छी बात है कि अगर आपने जैसे मैं आपको गिफ्ट करूंगी जब कुछ भी चीजों का, कुछ भी आप क्या कर रही हो, आपका नाम लिखवा देंगे हम इस पे। तो ये बहुत रीजनेबल सा, हां बहुत अच्छा। तो आई थॉट यू कैन गिफ्ट समवन अगर आप ये घर जाए, दैट्स व्हाट आई थॉट, वेरी नाइस। तो ऐसे ही बस चलते जी, आप लोगों का शुक्रिया कि घर बैठे आपने हमें शॉपिंग करा दी, बड़ा मजा आया आप लोगों की शॉपिंग देखकर और आप लोगों से शॉपिंग का गुर सीखकर। तो एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, आप देख रहे हैं हमारा शो। शॉपिंग 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 की बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि भाई ऐसी शॉपिंग करवा दें जो आप घर बैठे इतनी खूबसूरत स्किन और बाल एक साथ पा सकें, और उसके लिए जो दोनों चीज़ें अच्छी हैं हमारी सेलिब्रिटी के पास वो हैं फिज़ा अली। अस्सलाम वालेकुम, फिज़ा वाकई माशाल्लाह तुम्हारी स्किन, तुम्हारे बाल इतने मज़ेदार किस्म के हैं। सो वही वाली बात है कि राज पूछते हैं, तो मेरे सामने नज़र आया कि फिज़ा अली लेकर आई है प्योरीफाई
फ्लेयर। अच्छा मैंने लास्ट टाइम आपको रेकमेंड भी किया था जब मैं आई थी, तो मैंने आपको बोला था कि स्किन की कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि ऑनलाइन की आज शो था तो ऑनलाइन ये वो प्रोडक्ट है जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन शॉपिंग पे आई, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ें ढूंढ रही थी जिसमें सीरम और ये वो सारी चीज़ें हों। अच्छा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सो मच हर्बल ब्रांड्स, आई लाइक कोई ऐसी चीज़ें जो मेडिकेटेड हों, चाहे सीरम हो चाहे टोनर हो, कोई ऐसी फेस क्रीम या नाइट क्रीम्स, क्योंकि मेडिकेटेड जो आपको डॉक्टर रेकमेंड करता है उसके अंदर उनको सारी इन्ग्रीडियंट्स का पता होता है कि क्या चीज़ यूज़ करनी है, कैसे वेदर, कैसे माहौल और किस तरह के। अब अगर जो हम प्योरीफाई फ्लेयर की बात करते हैं तो प्योरीफाई की फ्लेयर की जो मैं कहती हूँ ना सोल्ड आउट हो जाती हैं चीज़ें सबसे ज़्यादा, वो इनकी एक तो वाइटनिंग सीरम है, एडवांस्ड फॉर्मुलेटेड सनब्लॉक है एंड डबल ग्लो नाइट क्रीम, ये वाली जो है यूं बहुत अच्छा, और इनका सनब्लॉक इतना अच्छा है कि पहले ही जो एक लेयर है फेस पे वो तो आपको प्रोटेक्शन की और जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो तो हो ही जाती है, मगर इसके अंदर एक जो इफेक्ट आता है ना जो शाइन और ग्लो का, एकदम से लगता है कि आप तैयार हैं, आप साफ सुथरे, आपकी स्किन एकदम से बोलना शुरू कर देती है। अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट्स जब इतनी कामयाब हो गए सो ना एक कॉन्फिडेंस आया प्योरीफाई फ्लेयर के अंदर, और फिर उसके बाद ये लेकर आए हैं हेयर रेंज, जो हेयर केयर रेंज। और हेयर केयर रेंज में मैं आपको बताऊं आजकल लोग दीवाने हुए हैं ना हेयर ऑयल्स वगैरह चीज़ों की जो बात करते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इचिंग स्कैल्प होता है, कुछ लोगों को बहुत ड्राई स्कैल्प होता है, कुछ लोगों को बहुत से किस्म के ऑयल सूट करते हैं, कुछ लोगों को नहीं, क्योंकि जो ऑनलाइन बहुत सारे जो हेयर ऑयल्स हैं वो बहुत मिक्सचर चीज़ों के होते हैं, किसी को भी यू नो डाल के बना बनू के हिसाब से उसको बनाते हैं और बोलते हैं इतने, मगर वो तेल सबको सूट करेगा या नहीं करेगा। और ये सीरम इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इसमें ना जो हेयर फॉल प्रॉब्लम्स हैं वो भी, जो ड्राई स्कैल्प है, जो इचिंग स्कैल्प है, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो हेयर फॉल प्रॉब्लम सारों को अभी चल रहा है, इफ़ दे ट्राई दिस वन ट्वाइस यू नो बहुत उनको सूट करेगा बिफोर दे शैम्पू। फिजा मुझे ये बताओ कि ये तीन चीज़ें एक साथ हैं एक बॉक्स के अंदर, मैंने इनका मैजिकल बॉक्स तो देखा हुआ है, ये तो काफ़ी हिट है इसमें स्किन केयर के बारे में। ये जैसे मैंने जो ऑर्डर किया था इनके पास है, ये मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ, ये पूरा बंडल है इनका प्योरीफाई का, मैजिकल हेयर केयर सेट केयर पूरा, ये इनका बंडल है जिसमें ये शैम्पू है इनका, जिसमें स्कैल्प केयर भी है और इनकी डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम जिन लोगों को बहुत ज़्यादा है वो भी साथ साथ सॉल्व हो जाती है। फिर इसके बाद जो इनका ये हेयर मास्क है, ये पूरा एक प्रोटीन है जो कि मुझे लगता है बालों के लिए प्रोटीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से लोग सर पे अंडा लगा के बैठ जाते हैं, तो ये एक कंप्लीट चीज़ है कि आप इसको लगाएं तो आपके बालों को जो कंडीशनर है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो प्रॉपर इसकी ना इतने फ्रिजी बाल हो जाते हैं जो मौसम है, हाँ ना, और उसके लिए आपको मास्क मिल रहा है जो आप कुछ मिनट के बाद, प्रोटीन ट्रीटमेंट के बगैर तो ये जो हेयर ड्राई ब्लो ड्राई ये हम लोग नहीं कर सकते, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप वीक में ट्वाइस यूज़ कर सकते हैं। और शैम्पू मैंने बता दिया ऑलरेडी जिन लोगों को, बल्कि मर्द हजरात भी बहुत ऐसे हैं जिनको स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा इची यू नो इचिंग रहती है, हर वक्त सर पे ऐसे खुजलाते रहते हैं, तो ये पूरा सेट है फिजा, और इससे हट के अगर किसी ने मास्क और सीरम, हाँ, और अगर इससे हट के किसी ने यूज़ करना है तो फिर इनका जो एक हेयर फॉल का अलग से एक शैम्पू है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, वो बड़े अच्छे आपके स्कैल्प के लिए भी है और आपके हेयर फॉल के लिए भी, वो सिर्फ हेयर फॉल पे ज्यादा काम करता है गंजपन को दूर करने के लिए, मगर ये डैंड्रफ वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरा सेट है एक आपका, इट्स वेरी अलग अलग भी ले सकते हैं और सेट में भी, जिस तरह सेट में ये है अलग से एक शैम्पू भी ऑर्डर कर सकते हैं जो मैंने बताया। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं आज इंट्रोड्यूस करवाने आई थी और ये है बीबी क्रीम। अच्छा, ये बीबी क्रीम मैंने प्योरीफाई फ्लेयर की बीबी बोटॉक्स क्रीम, और ये एक ऐसी बीबी क्रीम है, मैं आपको बताऊँ कि वो जो बात नहीं कर रहे होते हम लोग के बोटॉक्स फेस पे हो गया बिल्कुल एक टाइटनिंग सी झुर्रियां आ जाती है, झुर्रियों को फिल कर देती है, यस लाइक फिलर्स एंड यू नो बोटॉक्स पूरा ऐसे करके जैसे आप लगाते हैं तो उसके बाद आपकी टाइट फिनिश स्किन हो जाती है, किची किची सी। अभी लगाई है मैंने, बट मैंने इसके ऊपर पाउडर किया बिकॉज ऑफ द कैमराज एंड ऑल, ओके, बट इफ यू डोंट देन यू डोंट नीड इट बिकॉज। अच्छा फिजा, वैसे आपस की बात है, ये मैंने भी इस्तेमाल की है। अच्छा, हाँ, ये बीबी बोटॉक्स क्रीम जो प्योरीफाई फ्लेयर की है, मुझे जैसे कभी बाजार जाना है, मुझे किसी दावत में जाना है और मुझे बहुत मेकअप नहीं करना, मुझे सनब्लॉक अलग से नहीं लगानी पड़ती, मैं बेस अलग से नहीं लगाती, तो मुझे वो सब चीजें अंडर वन रूफ इसके अंदर बॉटल के अंदर मिल गई। तो वो मैंने ऐसे क्रीम की तरह लिया, जरा जरा लगाया, ऐसे लगाया, मिक्स किया, जल्दी है। गाड़ी में भी अगर लगाया ना और जरा जरा सी हल्के ब्लश ऑन लगा लिया, टिंट लगा ली,
एंड गुड टू गो आपका नेचुरल हां यार दिस इज द इसके अंदर विटामिन ई भी शामिल है इसके अंदर सनब्लॉक भी शामिल है कोलेजन बूस्टर है इसके साथ पूरा और दूसरा ये कि जैसे सनब्लॉक अगर वैसे भी आपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लगाना है तो आप लगा सकते हैं वो इससे एक फाइन लेयर आ जाती है उसके अच्छा मैंने वो लगाया पहले सनब्लॉक थोड़ा सा फाइन लेयर के लिए उसके बाद मैंने ये बीबी क्रीम लगाई फिर उसके बाद मुझे जहाँ जहाँ लगा वहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंसील कर लिया जैसे आई एरिया वगैरह और उसके बाद फिर मैंने इसको पाउडर से पैक कर दिया आई डोंट नीड द हैवी कवरेज बेस एंड एवरीथिंग बच्चियाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती है ना वो इतना हैवी मेकअप नहीं करके जा सकती तो उनके लिए मुझे ऐसा लगता है उनके लिए माएँ जो बच्चे स्कूल छोड़ने जाती हैं पिक करने जाती हैं या ऑफिसेस के लिए ये प्योरीफाई फ्लेयर की बोटॉक्स इफेक्ट बीबी क्रीम बेस्ट है इसमें मैंने खुद इस्तेमाल की है एक ये सॉफ्ट आइवरी ये भी अच्छा, बहुत अच्छा शेड है इसमें दो शेड है सॉफ्ट आइवरी जो बहुत गोरी गोरी बड़ी यू नो साफ सुथरी सी लड़कियाँ होती है और ये थोड़ा सा जैसे मेरा टोन है वीटिश है थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन इस तरह से आपने लगाया कूल और इसकी कवरेज देखे उसकी ब्लेंडिंग देखे कितनी अच्छी है अब मैं मेरे दूसरे हाथ में उसमें फर्क देखिएगा ये देखें और इतनी अच्छी इसकी मतलब अगर मैं साफ आपको बताऊं कि लाइट बेज जो है वो मेरे लिए और आपके लिए हाँ और जो आइवरी है वो यासिर के लिए हाँ यासिर भाई दो लेना मैं हमारे घर में दो आएंगी दो शेड स्मेल देखिए कितनी अच्छी है जबरदस्त और ये देखिए और इतना अच्छा ग्लो चेहरे पर आता है ना सो मैं तो यासिर को भी थोड़ी थोड़ी लगा दूँ इस हाथ में देखिए कुछ नहीं और इस हाथ में देखिए कितना और वो बेस वाला नहीं हैवी वो यू नो टेक्सचर वैसा नहीं बिल्कुल नेचुरल नेचुरल ग्लो जो आजकल ट्रेंड है फैशन है कि ग्लो आए चेहरे पर ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो ये जब लगाएंगे थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद आपके चेहरे पे वो फील आना शुरू हो जाएगी जैसे आपने बिल्कुल चेहरे पे बोटॉक्स बोटॉक्स करवा के ना बिल्कुल टाइट स्किन यू कराई हुई होती है जस्ट लाइक दैट नो रिंकल्स फिर ये जाके आपके चेहरे पे ब्लेंड हो जाती है फटती नहीं है ऊपर पड़ी नहीं रहती इट लुक्स सो फाइन एंड न्यू अच्छा सुनो मैंने तो दूसरे स्किन सीरम्स फेस सीरम्स का तो सुना है हाँ। लेकिन जो बॉडी सीरम है ये क्या चक्कर है प्रो रेडियंस बॉडी सीरम ये भी बताती हूँ बड़े मजे की चीज है मैंने आजकल हाथों पैरों पे लगाना शुरू किया क्योंकि मेरे ये मैं खाना पकाती हूँ ना ये मेरे सारे पोर्स डार्क हो जाते हैं तो ये मैंने शुरू किया है ये कोनियों पे जो जो डार्क जगह आपकी ऐसे वो साफ हो जाती हैं और साथ साथ इसका एक बड़ा अच्छा फायदा है कि जिन लोगों को स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं अच्छा बहुत से लोगों को प्रेगनेंसी के बगैर भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं बहुत सी लड़कियां हैं एक दो मैंने देखी हैं पेशेंट्स ऐसी जिनकी शादी भी नहीं उनको स्ट्रेच मार्क्स हैं तो वो जहाँ जहाँ आपको बॉडी पतले होते हैं ना उस वजह से भी हो जाते हैं कुछ लोग अपनी बॉडी पे भी हो जाते हैं तो ड्राइनेस से ईचिंग करते हैं ना बहुत ज़्यादा उससे भी हो जाते हैं तो इससे एक तो आपका जो है इसमें कॉलेजन भी है जहाँ पर आपको है जहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स वहाँ पे लगा के तो उसको छोड़ दें और पूरी ओवरनाइट या सारा दिन भी जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं कपड़े वपड़े पहनने से पहले आपने बॉडी में लगा लिया और आप जो है आपकी बॉडी के ऊपर ये काम करता रहेगा डार्क स्पॉट्स भी ठीक हो जाएंगे और ये अपना बूस्टर जो है ना पूरे बॉडी पे दिखाना शुरू कर देगा विद कॉलेजन अच्छा अब बॉडी की बात होगी दोबारा फेस पे आते हैं जो मैजिकल बॉक्स है अगर लोग खरीदते हैं तो जरा एक एक करके बताओ क्या क्या चीजें इसमें हैं जो उनको मैजिकल बॉक्स में अवेलेबल है ये टोन अप फेस का ये तो सिरम ये टोनर तो एंड में आएगा ना पहले फेस वॉश से शुरू करते हैं ना मेरा फेस वॉश ओके ये फेस वॉश है इनका ये तो मैंने बताया था इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत साफ करते हैं पोर्स को भी क्लियर कर दिए पोर्स को भी क्लियर कर देते हैं और ये चेहरे पे ड्राइनेस नहीं करता आपके चेहरे को साफ करता है अच्छी तरीके से जो कि खिंचा खिंचा फील नहीं होता ठीक है उसके बाद ये वाला जो है इनका सन ब्लॉक है वो आप सन ब्लॉक लगा सकते हैं मगर उससे पहले आपका दिल है तो आप ये सिरम आपके स्मूथ लाइंस जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी फिर ग्लो आएगा आपके चेहरे पे ये एक पूरी ट्रीटमेंट है इसको लगाना है मतलब ये तो आप मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं ये भी आप मेकअप से पहले लगा सकते हैं और अगर आप सारा दिन कुछ भी नहीं करें तो बस ये और ये भी ना फेस वॉश करके अगर लगा लेते देन यू जस्ट लाइक रेडी टू गो एनी वेयर बिकॉज आपके चेहरे पर बहुत ग्लो आता है एंड अप्लाई द टिंट आफ्टर अगर आप बहुत अच्छी तरीके से कहीं तैयार होकर जाना चाहते हैं यू कैन पुट द बीबी क्रीम बोटॉक्स बीबी क्रीम विच इज द न्यू रेंज ये तो टोनर है ठीक है तो टोनर तो आपको पता है कि किसी भी वक्त मुंह धो के आप लगा सकते हैं जैसे भी आपको मगर मैं जैसे कोई भी चीज़ अगर स्किप कर भी रही हूँ मैं ये दो चीज़ें स्किप नहीं करती ठीक है ये मैं यूज़ करती हूँ उनकी नाइट क्रीम डबल ग्लो नाइट क्रीम बहुत अच्छी है ये तो बहुत ज़्यादा लोग अब मेरे पेज पे भी ना इंस्टा पे मुझे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग मांगते हैं इसका भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी हल्का सा टेक्सचर ये आराम से रात में आपने मेकअप वेकअप उतारा टोनर लगाया आपने अपनी स्किन को पूरा
तैयार किया इस डबल ग्लो नाइट क्रीम ये बहुत अच्छी है। तो मेरे घर से मेरे जब पास पड़ी होती है तो मेरी बहनें भी उठा के ले जाती हैं। ठीक है, ये डे क्रीम है। डे क्रीम ये है कि आपने जब अपना सन ब्लॉक, इससे पहले भी मैं कहती हूँ लगाना ज़रूरी है, सन ब्लॉक लगाइए, उसके बाद अपनी एक डे क्रीम लगाइए, जैसे आपका चेहरा मॉइस्चर भी रहेगा, आपके चेहरे पे ग्लो भी रहेगा। और ये भी ना अपना काम करती है, ये रिंकल क्रीम है, ये वो रिंकल क्रीम है जो आपके चेहरे पे बिफोर एज समटाइम्स यू नो प्रीमैच्योर लाइंस आ जाती है ना, तो उसको कंट्रोल करती है, उसको पहले कवर करती है। हाँ। उसके अंदर ये फिलर का काम करती है। जब आप ऐसी क्रीम्स अपने चेहरे पे लगाते हैं तो वो पहले ना आपके अंदर एक फिलर अपनी जगहों को ना छोड़ देती है, उसके बाद जब आप उसको यूज़ टू हो जाते हैं, लगाते रहते हैं तो समटाइम्स लाइक 6 महीने या 3 महीने के बाद आपके चेहरे पे वो जो लाइंस जगाए, जो गड्ढे छूट जाते हैं, वो फिल हो जाते हैं इनकी ट्रीटमेंट्स के साथ। जब जितना आप अपने चेहरे को मॉइस्चराइज रखेंगे, ना दाग धब्बे होंगे, स्किन टाइट रहेगी, क्योंकि उसको उसकी खुराक मिल रही है। सो ये जो मैजिकल बॉक्स है बेसिकली आपकी स्किन की खुराक है, जिसमें सन ब्लॉक है, जिसमें वाइटनिंग सिरम है, जिसमें फेस वॉश है प्योरीफाई फ्लेयर का बीच के साथ, जिसमें टोनर है, जिसमें नाइट ग्लो क्रीम है और जिसमें डे क्रीम है, मतलब ये सब कुछ। यस, ये वाला तो पैकेज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट ना, अगर आपको ट्रीटमेंट लेनी है दिस इज मस्ट। उसके बाद फैमिली के लिए मंगा सकते हैं, मियां बीवी दोनों मिलकर आराम से चलता है। और ये वैसे ही आप जो एक ऑर्डर करते हैं उसके बाद आप यूज टू हो जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे पेज पे इसके इतने ऑर्डर आते हैं, मैं कहती हूँ मैं थोड़ी बेच रही हूँ, ऑनलाइन जो बेच रही हूँ उनको जाके बताए भाई मुझे क्यों ऑर्डर दे रहे हैं। अच्छा, ये चीज तो है ही है, मगर मैं आपको बताऊँ बीबी बोटॉक्स। हाँ। ये जो बीबी भाई ऐसे तो नहीं हम मानेंगे, हम तो जो आता है ना वो भत्ता देता है, और वो भत्ता है डिस्काउंट। अल्लाह, क्या डिस्काउंट लाई है आप बताइए। मैं डिस्काउंट लाई है, सुने मैं 10% चले चलेगा। हाँ, 5% किसके ऊपर, किस चीज पे दूं बताइए मुझे। 10% डिस्काउंट आपको 10% देती हूँ। एक तो मैजिकल बॉक्स पे दे दीजिए, 10% चलेगा। 10% बेस्ट है, खुश है आप? खुश है। और ये आप हेयर पे दे दीजिए प्लीज। हेयर पे 5% दे दूं? नहीं, 10%। यार ये तो गलत, ये तो गलत बात है, हमें तो 10 चाहिए भाई, ये तो यार तो बात नहीं, मैं मानी हो रही है। अच्छा, हाँ चलें 10% आपके फ्लेयर के मैजिकल बॉक्स पर और हेयर केयर बॉक्स पर 10% डिस्काउंट है। ये मैंने आप लोगों के लिए खास तौर पर मनवा लिया है, जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस करें ताकि फायदा हो। और वेबसाइट कहाँ ऑर्डर प्लेस करें बहन? ये तो इनकी प्योरीफाई का पेज है, इनके सोशल मीडिया पे, उधर जाकर आप इनके पेजेस पे इनके नंबर्स भी दिए हुए हैं, उनके लिंक पे आप इनके बैंड भी चल रहे हैं, नंबर भी चल और नीचे स्क्रीन पे भी जो नंबर्स चल रहे हैं उनको कॉन्टैक्ट करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और इनके ऑर्डर के बाद आप वाकई खुद ये लोगों को रेकमेंड कर रहे होंगे जो आज मैं बता रही हूँ ये सारी चीजें। और शादी का सीजन है, स्किन सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए, तभी सारा मेकअप और सारे जोड़े अच्छे लगे। That's one important. Thank you, Fizza. Thank you so much. Fizza के लिए चमकना है तो प्योरीफाई फ्लेयर आपके लिए। Good morning, Pakistan, and खुदा हाफिज़।